हाँ सो रिमेंबर वन थिंग, इंटरव्यू, व्हेन वी से इंटरव्यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरव्यू? If I break it is interview. That means there are two teams or two persons who are interchanging their views. You might also have some view. He might also have some view. He is the boss because he is taking your interview. Now everything will depend on his understanding, his perception, what he knows. Everything is depending on his understanding of the subject, understanding ultimately his perception. What you are saying, he must be convinced. And you must be able to express yourself in a better manner, in a better way. Now there is another term called viva voice or viva. What is viva? Viva means someone is asking you questions and you are giving the accurate answer. So there is a difference. Now when you go for a government job interview or viva voice, that in general in our APSC what they take, they are calling it viva voice. They are not saying interview. But in private industries, what we say? PI, personal interview. Are you getting my point? So, while you are going for a government job, so it doesn't matter exactly that what is your view on something or this. You are just a the small part of the whole machine. So you must be implementing whatever coming from the upwards. जो भी तुम्हारे ऊपर ऑर्डर आएंगे उसको इंप्लीमेंट करना है, वो होता है गवर्नमेंट जॉब का काम. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो सिविल सर्विस जॉब्स के लिए जाते हैं, SES, IAS, ये सारे पुलिस, तो उनका क्या है, उनको ऑर्डर फॉलो करना है कि जो भी सिस्टम है वो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें आपकी जो लिमिट है उसी में रहना है, उसी को फॉलो करना है और उतना काम करके देना है. वहां पे आपका खुद का कुछ इनोवेशंस की कोई जगह है नहीं. यू आर जस्ट ए मशीन. इधर से आया ऑर्डर, इधर फॉलो हो गया, बस मेरा कुछ नहीं है. बट इन केस ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है. यहाँ पे इमोशन भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे वर्क कल्चर डिफरेंट है. गवर्नमेंट में और प्राइवेट में वर्क कल्चर डिफरेंट है. यहाँ पे हमको मतलब होता है काम से. प्राइवेट इंडस्ट्रीज में एग्जैक्टली वो दायरा भी नहीं होता है, यहाँ पे कुछ काम पड़ा हुआ है कि नहीं ये मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, मैं क्यों करूँ, उसका जगह नहीं है. यहाँ पे काम है, होना चाहिए, हो गया. प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही करना है. लेकिन किसी का काम हो, कुछ भी काम हो, वो हम कर लेते हैं. सो इट इज जस्ट लाइक अवर ओन होम. प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर लाइक अवर ओन होम. इसको अपना समझ के काम करना है. जितना अच्छा काम करोगे, जितना ज्यादा डेडिकेटेडली काम करोगे, उतना ऊपर
आपका करियर जाएगा। तो माइंडसेट प्राइवेट में और गवर्नमेंट में डिफरेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट वाले काम नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। उनके पास हजारों एक्सक्यूजेस है, एक्सक्यूजेस, हजारों एक्सक्यूजेस है काम ना करने का। तुम एक काम लेके जाओ, वो हजारों फॉर्म्स दिखा देंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये। आप कितना भी सही ढंग से आप सारा चीज मेंटेन करके जाओ, उनके पास कोई ना कोई एक हथियार होगा जिससे वो तोड़ देगा कि यहाँ पे ये क्लॉज फॉलो नहीं हुआ है। तो बहुत सारे हैं, और वो जरूरी भी है कुछ हद तक। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज ऑफ द पर्सन जो उस चीज को निभा रहा है वहां पे, है ना। कि वो अगर सही ढंग से काम करना चाहे उसी दायरे में रह के तो कर सकता है। वो अगर करप्ट हो गया तो फिर उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि करप्ट हो गया तो उसके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू वो निकल के जा सकता है, जब तक उसको रेड हैंडेड ना पकड़ा जाए, और पकड़ने के बाद भी जो सिस्टम है उससे वो निकल के आ सकता है कि नहीं। ये होता है। बट प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में ऐसी ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पे एफिशिएंसी डज मैटर। गवर्नमेंट में एफिशिएंसी का कोई मतलब ही नहीं है। प्रोजेक्ट है 500 करोड़ का, 700 करोड़ लग गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए था, 5 साल लग गया, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, पीपल आर इंटरेस्टेड कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट में एफिशिएंसी की बात होती है? नहीं होती है, कभी नहीं होती है एफिशिएंसी की बात। कि हमने बनाया वो मैटर कर रहा है, कि हमने बनाया, क्यों बनाया, उससे क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, उस पे नहीं जाएंगे। लाइकवाइज एक स्मॉल एग्जांपल ले रहे हैं कि जितने सारे गवर्नमेंट आज तक आए हैं, चाहे वो, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट या पार्टी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। हमारा देश का अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कांग्रेस गवर्नमेंट हमने देखा बहुत सालों तक सेंटर में, फिर 2014 के बाद हमने एनडीए का गवर्नमेंट देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, है ना। अच्छा खराब बड़ा भला बुरा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। जब मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि हमने देश की तरक्की कर दी, डेवलपमेंट, मोदी जी को क्यों दिया था वोट लोगों ने? अच्छे दिन के लिए। वो क्या कह के आए थे? गरीबी हट जाएगी 100 दिन में। तो लोगों को लगा कि ये मिराकल करने वाले हैं, तो मिराकुलस पर्सन। लोगों का एक एक चीज क्या होता है कि हम जब अपने आप को देखते हैं बड़ा कमजोर देखते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई अगर वो अपनी कमजोरी को छुपा के अगर आपके सामने खड़ा है ना, और वो कुछ दिखा रहा है कि मेरे पास वो मिरेकल है, आपको लगेगा हाँ यार उसके पास है, मेरे पास नहीं। हालांकि जितने सारे इंसान इस दुनिया में आए हैं सबके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, लेकिन वो कोई भी मिरेकुलस कोई चीज नहीं होता है। यहाँ पे जो भी होता है नेचुरल तरीके से होता है, और सबको पता है नेचुरल तरीका क्या है। टाइम लगता है उसमें, एफर्ट लगता है उसको, एक प्लानिंग के थ्रू हमको लेके जाना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। जरूरी नहीं है हर एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ही होगा, उस पे भी नहीं जा रहा हूं। प्रोजेक्ट लॉस में भी जाता है और डिसीजन गलत भी होते हैं, उसका आउटकम कुछ सोच के किया था, लेकिन जब हम डिसीजन लेते हैं उससे पहले बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं छोटे छोटे चीजों में। जब आप अपने घर का भी कोई एक डिसीजन लेते हो, छोटा छोटे से छोटे चीज का, तो आप बहुत बार सोचते हो कि क्या ये सही होगा। पकड़ लो आपको घर का कलर ही चेंज करना है, दिवाली है भाई कलर चेंज कर देते हैं, तो वहां पे भी आप कम से कम एक हफ्ता लगाते हो कि कलर कौन सा देंगे, लाइट ज्यादा होगा कम हो जाएगा, ये कलर तो बढ़िया है लेकिन उससे क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब कर जाएगा, घर अंधेरा हो जाएगा, बहुत कुछ सोचते हैं ना। ये अच्छा लगेगा आंखों में, लगेगा ये कलर ब्राइट है लेकिन आंखों में, तो प्लानिंग है ना हमारी, कैसे करेंगे, कितने टाइम पे करेंगे, कितना पैसे में, कितना बजट में करेंगे। तो अगर छोटे से छोटे चीज का अगर प्लानिंग है तो बड़े से देश का प्लानिंग नहीं होगा क्या? प्लानिंग होना चाहिए, लेकिन हम जो देख रहे हैं वहां पे क्या चीज का डिस्कशन नहीं होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होता है एफिशिएंसी की। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में नहीं चलता है, प्राइवेट में एक ही चीज का डिस्कशन होता है, वो है एफिशिएंसी। कि आप 12 घंटा काम कर रहे हो, 16 घंटा काम कर रहे हो, उससे क्या मतलब है?
मतलब इस चीज से है कि आप कितना एफिशिएंट हो। अगर आप अपना काम 4 घंटे में खत्म कर देते हो तभी कंपनी खुश हो जाएगी। मेरे को काम से मतलब है, ये काम हो जाना चाहिए था, वो काम हो गया है, मेरा प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया है, यहाँ पे डाउन क्या कहते हैं इसको, फेलर नहीं है, इक्विपमेंट फेलर नहीं है, कुछ भी फेलर नहीं है, तो इट इज ओके, आप घूमते रहो। हम लोग ऐसे ही काम करते थे। हम लोग जब काम करते थे तो प्लांट में हमारा ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं था। रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ गई हम दौड़ के चले गए, वहां पे खड़ा है। पावर प्लांट में काम करने का मतलब ये होता है कि आपको, आपके पास कुछ मेंटेनेंस पे हो, तो ऐसा नहीं है कि दिन भर कुछ काम कर रहे हो, आप फ्री हो, कुछ काम नहीं है। नॉर्मल रनिंग में वो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम होगा, अदरवाइज वो चल रहा है प्लांट। रात के 2 बजे देखोगे प्रॉब्लम आ गया है, अचानक से प्रॉब्लम आएगा, तब दौड़ो, तब की नहीं अभी तो मेरा ड्यूटी आवर्स नहीं है, हम जाएंगे कल सुबह 10 बजे, वो नहीं चलेगा। और वो करता भी नहीं है, वो एटीट्यूड बन जाता है हम लोगों का। हम लोगों का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका वो काम पड़ा हुआ है, यहाँ पे फाइल पड़ा हुआ है, तो कोई दूसरा आदमी आएगा तब जाके वो फाइल लेके जाएगा, उसको देगा, उसके बाद काम होगा, ऐसा नहीं है। ये मेरा काम हो गया, मैं खुद जाके ये दे दूंगा, भाई इसको कर दे, ये अर्जेंट है। So, ये होता है एटीट्यूड की डिफरेंसेस कहाँ पे, गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में। सो लोगों का ये मानना होता है कभी कभी कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, स्लेवरी टाइप का हो जाता है कि अरे 8 घंटे का जॉब बोला, 12 घंटा काम करना पड़ता है, 14 घंटा काम करना पड़ता है, नहीं करेंगे। माइंड में आता है कभी कभी यार पर्सनल लाइफ बोल के कुछ है ही नहीं, बट वो अगर आप नजरिया को चेंज करो, परसेप्शन को चेंज करो कि भाई क्यों करना है मुझको ये वाला काम, क्योंकि इसकी जरूरत है, इस काम का अभी ये काम हो जाना चाहिए, अगर ये काम नहीं होगा तो इतना लॉस हो जाएगा। सो आई एम ऑलवेज रेडी टू डू दैट वर्क। इफ यू आर रेडी टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क, देन यू आर फिट फॉर योर प्राइवेट जॉब्स। इफ यू आर नॉट रेडी टू डू सच थिंग्स कि भाई यहाँ पे काम पड़ा है और अभी टाइम मेरा तो ड्यूटी आवर्स नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो आप नीचे रह लो। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो 9 to 5 का जॉब होता है ना, ये क्लरिकल जॉब होता है, एक गवर्नमेंट ऑफिस का क्लर्क होगा जो सुबह 9 बजे तैयार होके जाके ऑफिस पहुंचेगा, शाम को 5 बजे होने से पहले वो अपना बैग पैक करेगा, वो उठ के आ जाएगा। गवर्नमेंट के जो बड़े ऑफिसर्स होंगे वो 9 to 5 जॉब नहीं करेंगे, वो रात के 12 बजे, किसी भी एक स्टेट का एसपी ले लो, डीसी ले लो, उसको रात को नींद है, वो रूम पे बैठा हुआ है, आज यहाँ पे प्रॉब्लम है तो कल वहां पे प्रॉब्लम है। जितना ऊपर चढ़ोगे, लोगों को क्या लगता है कि बड़ा ऑफिसर है, वाह तो उसका शान भी बढ़िया है, तो क्या मजेदार लाइफ होगा, उसके जगह पे जाके बैठो, उसको उसको सांस लेने का फुर्सत नहीं, वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है। तो लाइफ ऐसा ही है, उस चीज को समझना जरूरी है कि लाइफ में हर रोज हमको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना काम किए हमारे पास सारा चीज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप खुद से तैयार होते हो ना कि हाँ भाई ये काम तो मेरे को करना है, तो माइंड बनता है आपके ऊपर, प्रेशर नहीं बनता है तब। प्रेशर कब बनता है? जब आप कुछ काम करना नहीं चाहते हो और कोई दूसरा आके बोलता है यार ये काम करो, तब लगता है ये बर्डन। इफ यू आर विलिंगली डूइंग समथिंग तो उसमें आपको दुख नहीं होता, या फिर उसमें आपको आपको समझ में भी नहीं आता है। एग्जैक्टली हम टायर्ड भी नहीं होते हैं उस चीज से कि काम की वजह से, हम टायर्ड होते हैं माइंडसेट की वजह से, फिजिकल टायर्डनेस अलग बात है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, हमारा एक माइंडसेट होता है कि हम इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, तो अभी हमारा लाइफ जो है वो बाबू जैसा हो कि हम जाएंगे ऑफिस में, बैठेंगे टेबल पे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, फाइल्स देखेंगे,
हमारे दिमाग में ये है ही नहीं कि एग्जैक्टली इंजीनियरिंग जॉब है क्या और करना क्या है मुझको। फिर उस चीज से भाग के कुछ लोग क्या कर रहे हैं आजकल, स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बूम है आज के, और एकदम क्लास 12th से लेके, मैं बोलूंगा 11th 12th से लेके ना आज आज के डेट पे बच्चों में क्रेज बन चुका है, स्टार्टअप का एक क्रेज पैदा किया गया है, इसको पैदा करना बोलते हैं। इतना ढोल पीट दिया स्टार्टअप का, और इतने फेक, इतना फेक, मैं बोलूंगा इतना फेक स्टोरीज आ चुके हैं मार्केट पे, सोशल मीडिया पे। लोगों को लग रहा है कि भाई नौकरी करके होगा ही क्या, नौकरी करना ही नहीं है मेरे को, तो यूनिकॉर्न बनाना है, 7,000 करोड़ का कंपनी बनेगा, 10,000 करोड़ का कंपनी बनेगा, मैं धीरू भाई अंबानी बनने वाला हूं। तो हर कोई अपने आप को धीरू भाई अंबानी मन में समझ रहा है कि स्टार्टअप करेंगे। क्यों करेगा स्टार्टअप? इसलिए स्टार्टअप करेगा क्योंकि उसको गवर्नमेंट जॉब का लिए जो एफर्ट देना है वो देना नहीं चाहता है, एग्जाम पास करने के लिए बहुत सारा पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, वो करना नहीं चाहता है, समझना बात को। प्राइवेट जॉब्स, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा लग जाएगी, पैसा भी आएगा लेकिन 12 घंटा 14 घंटा का ड्यूटी होगा, तो वो मेहनत करना नहीं चाहता है। तो क्या करेंगे, अपना खुद का कंपनी खोलेंगे। भाई एक बात याद रखना, अगर गवर्नमेंट में आपको 8 घंटा काम करना पड़ता है, प्राइवेट में 12 घंटा काम करना पड़ता है, और जो स्टार्टअप करता है ना वो 24 घंटा काम करना पड़ता है। ऐसा कोई स्टार्टअप या ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो 24/7 काम नहीं कर रहा हो, वो रात को सोते हुए भी काम करता है, ऐसा कोई वेंचर नहीं है दुनिया में, नॉट इवन एलोन मास्क। जाके देखो उसके पास भी क्या है, आपको क्या लग रहा होगा, अबे वो तो उसके पास क्या नहीं है भाई, जाके देखो उसकी जगह पे, तो वो भी उसके पास आपको देने के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है, पूरा बिजी शेड्यूल है। हमारा शेड्यूल ही नहीं है, हमारे मर्जी से हम चलते हैं। आपका कोई शेड्यूल है नहीं, जब मर्जी, आज मन किया नहीं क्लास नहीं करेंगे, आज जाके बैठ गए, नहीं आज रूम पे ही रहेंगे, तबीयत ठीक नहीं है, कल ये नहीं आई, तबीयत ठीक नहीं है। एलोन मास्क बोल पाएगा कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा, उसका तबीयत खराब भी नहीं होगा, क्योंकि काम का इतना जोश है कि उसको और कुछ सोच ही नहीं रहा है। इतना बिलियन, इतना बिलियन, इतना बिलियन, वो सिर्फ बिलियन ही देख रहा है। ट्विटर को खा जाओ, फेसबुक को खा जाओ, गूगल को खा जाओ, सबको मैं अपना कर लूँ, इस दुनिया को अपना कर लूँ, चाहे तो वो मार्स को भी ले लूँ, तो वो सब उसके दिमाग में चल रहा है। तो बात यहाँ पे ये है कि माइंडसेट बहुत जरूरी है, माइंडसेट ठीक होता है तो स्किल सेट ठीक होता है। इंसान का माइंडसेट ही है हम लोगों का, मेनली इंडियंस, इंडियंस नहीं एशियंस बोलना सही रहेगा शायद से, कि ये इंडियंस हो गए, बांग्लादेशीज हो गए, पाकिस्तानीज हो गए, हमारे इस साइड का जो माइंडसेट है कैसा है, थोड़ा धीमा टाइप का चलता है हम लोगों का। हम लोग सब बाबू टाइप दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं बहुत बड़े खानदान से हूँ, या फिर बहुत बड़ा रईस हूँ, कुछ एक बाबू हूँ, असल में किसी के पास कुछ नहीं है, हम सब कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं। वहीं पे आप जापान चले जाओ तो जापानीज लोगों में वो ये चीज नहीं दिखेगा आपको। ये जापान का सोचो यार, हिरोशिमा नागासाकी, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म हो गया, जापान फिर से उठ खड़ा हो गया, कितना सालों में, फिर वो न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया, सुनामी आ गया, इनके साथ होता ही रहता है, और छोटा मोटा नहीं होता है, बड़ा बड़ा होता है, और फिर से वो लोग खड़े हो जाते हैं, उनके साथ टक्कर देने वाला नहीं है कोई, इतना सा छोटा कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, बट दे आर डिसिप्लिन। हम लोगों को बचपन से बड़ा किया गया है गलत चीजें फीड करके, दिमाग जो होता है ना वो फीड के कारण से ही बनता है। बचपन से ही हमको जो स्पून फीडिंग किया गया है पढ़ाई लिखाई के साथ हर एक चीज में, हमने पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं किया कि हम कुछ सीख रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, हमने पढ़ाई लिखाई इसलिए क्या, क्योंकि हमको एग्जाम पास करना है,
एग्जाम पास करेंगे तो अच्छा कॉलेज में एंट्री मिलेगा, अच्छा कॉलेज में एंट्री मिलेगा तो फिर अच्छा पढ़ाई होगा और फिर अच्छी नौकरी लगेगी। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो था ना एडुकेशन के पीछे, पढ़ने के पीछे, वो था जॉब, कि जॉब मिल जाए और जॉब भी ऐसा मिले जिसमें काम करना ना पड़े। हम इसलिए जॉब नहीं ढूंढ रहे कि मैं काम करूंगा और काम करके कुछ बनाऊंगा, खुद को भी बनाऊंगा, कंपनी को। आप रिज्यूमे में लिखते हो ना कि टू ग्रो सेल्फ एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन, कि प्रोडक्टिव करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कि मैंने जितना सीखा है वो सारा यहाँ पे कंपनी में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, लिखते हैं करियर ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं, है ना। लेकिन क्या वो मेरे हमारे माइंडसेट पे है? नहीं, वो गूगल से या फिर किसी सीनियर का जो रिज्यूमे है उसको देखा, उसको टेपा डाल दिया। कभी ये सोचा ही नहीं कि एग्जैक्टली जो लिख रहा हूँ क्या वो मैं सही में ऐसा करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। क्लियर ना, चीजें समझ में आ रही है? तो बदलना किसको है? बदलना हमारे माइंडसेट को है कि भाई ये चीजें जो है ये ऐसी ही है, ये इसलिए ऐसी नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनी है वो गवर्नमेंट है, इसलिए ऐसी है क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, जहां पे काम करोगे तब बनेगा। अगर हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसे बन जाए कि नहीं यार काम नहीं करोगे, पकड़ लो कोई टीचर है उसका हर 3 साल में अगर एक तो टेस्ट लिया जाए, एफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए उसका, वो क्या जानता है आज के डेट पे? उसने कभी ना कभी मैट्रिक पास किया था, हायर सेकेंडरी पास किया था, बीटेक किया था, बीएड किया था, कुछ किया था, पढ़ा था, और वो उस हिसाब से डिजर्व करता है कि ये पढ़ा सकता है क्योंकि उसने बीएड किया हुआ है, टेट पास किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम कैसा होता है हमारा? कुछ रट्टा मारे, एमसीक्यूज, टेप दिए, पास हो गए। तो इसका मतलब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया क्या? तो टेट ऐसा नहीं होना चाहिए था शायद से। अब क्या है कि जो टीचर बन गया है वो अगले 30 साल तक वो सैलरी लेगा। आप आपके घर में किसी को अगर रखते हो काम करने के लिए, 1 महीना अगर वो गलत काम कर रहा है, अगला महीना आप देखोगे कि क्या ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आज नहीं इसको सिखा दिए, 2 महीना दिए चांस, तीसरा महीना क्या करोगे? आपसे नहीं होगा, निकल जाओ। पकड़ लो आप एक कुछ नहीं है तो एक दुकान खोलते हो, ग्रोसरी शॉप खोलते हो, और एक लड़का रखते हो जो सामान बेचेगा, लोगों को देगा उठाकर। आपने पहले उसको ट्रेनिंग दिया कि भाई देख ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे रखना है, इस शेल्फ पे ऐसे रखना है, यहाँ पे ये है वो है, तो सारा चीज समझा दिए। अब उसको बेचना है, अगर वो सही ढंग से प्रोडक्ट को नहीं दे पा रहा है, लोगों की लाइन लगी हुई है लेकिन देने में डिले कर रहा है, आप क्या करोगे? वहीं पे जब एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वो अगले 30 साल तक वो सिक्योर्ड हो गया है, उसको टेंशन नहीं, मैं काम करूं ना करूं कुछ भी हो जाए, एफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं है, मेरा सैलरी आता रहेगा, पेंशन है भाई, मजा है लाइफ में। इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट का कोई सेवा लेना नहीं चाहते हैं, नहीं गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। आपके यहां से जाते वक्त रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है, रास्ते पे पानी जमा हुआ है, गड्ढा हो गया है, उसको भरने कोई नहीं आ रहा है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अगर कोई बाइक लेके जा रहा है वहां पे गिर गया, उसका बाइक टूटा, वो जो बाइक टूटा उसका जो डैमेज हुआ और उसके लाइफ की जो डैमेज हुई, कौन देगा? कोई मतलब ही नहीं है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं बढ़िया से कि भाई बन जाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इस टाइप के माइंडसेट का, मेंटालिटी का कोई जगह नहीं है। आपको हमेशा प्रोएक्टिव रहना है कि किसी भी टाइप का काम है मैं तैयार हूं, मैं करने को तैयार हूं, 24/7 करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि भाई मेरे को मेरा सीनियर बोल रहा है काम करो, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि ये मेरा देश है, ये मेरा काम है और इसी काम की वजह से मेरा घर चल रहा है। दूसरा एक चीज क्या करते हैं लोग कि अपना जो काम होता है ना, वर्क या फिर जॉब, जो काम होता है उसको तोलते हैं किसके साथ? पैसों के साथ। जॉब को हमेशा
किसके साथ तोला जाता है? पैसे, इतना पैसा दे रहा है, इतना सारा काम करवा रहा है, इतना पैसा देगा तब मैं इतना काम कर दूंगा, नहीं तो मैं क्यों करूं? होता है ना हर जगह पे, क्या होता है कि भाई जितना पैसा दोगे, जितना घी डालोगे उतना ही मजा होगा, पैसा दो काम कर देंगे, काम आता है, लेकिन काम को रुका के रख दिया है, क्यों रख दिया है? पैसा कम दे रहा है ना, नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो ए वेरी 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 निगेटिव एटीट्यूड। आपको जॉब के साथ ना पैसों का कभी रिलेशन नहीं बनाना है, पैसा अपनी जगह है, जॉब अपनी जगह पे है, किसी भी टाइप का काम आपके सामने पड़ गया मतलब वो हो जाना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो कंपनी का जरूरत है, इसलिए नहीं क्योंकि ये करने से आपको कुछ फायदा होगा, इसलिए क्योंकि ये काम है और काम मुझको करना है, काम हो जाना चाहिए, सर्विस देने आए हैं सर्विस दे देंगे खत्म। अब बात आती है पैसों की, तो अगर आप अच्छा सही से अगर काम करते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका पैसा बढ़ेगा, यहाँ पे नहीं बढ़ेगा तो कहीं और बढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से बहुत ज्यादा काम करते रहे, बहुत अच्छा काम करते रहे और फिर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वहां पे भी आपकी कुछ प्रॉब्लम है, आप क्यों स्टिक करके बैठे हुए हो? अब वहां पे काम करो, बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च कर लो, जहां पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले निकल जाओ वहां से, तब जाके प्यार से रेजिग्नेशन दो ना कि सर आपको मेरी कदर नहीं है, ये देखिए मेरा वैल्यू तो डबल हो गया, मैं जा रहा हूं, बढ़िया से निकलो। तो यही बात होती है, जब हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, फोकस होना चाहिए काम पे, एटीट्यूड ये रहे कि मैं 24/7 सिर्फ इस काम को देखने के लिए आया हूं, उस काम के लिए जितना जरूरत है मुझको, जितना स्किल डेवलप करनी है मैं करूंगी या करूंगा, एफर्ट जितना देना है मैं दूंगा, साथ में मुझको पैसा चाहिए, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं दूसरा अपॉर्चुनिटीज देख लूंगा, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है दुनिया में, आपके में स्किल नहीं है, स्किल नहीं है पैसा भी नहीं है, आप दूसरी जगह छोड़ के ही नहीं जा सकते हो, आप में वो दम ही नहीं है क्योंकि आप में तो स्किल ही नहीं है। स्किल्ड पर्सन को हर कोई चाहता है कि यार तू आ जा मेरे साथ, मैं तेरे को 2 पैसा ज्यादा दूंगा, स्किल नहीं है तो फिर आप जॉब छोड़ के जाने का सोच नहीं सकते हो, आप वहीं पे बैठ के पॉलिटिक्स करते रहोगे, कि यहीं पे रहना भी यहीं पे है। प्राइवेट का एक और बद्दा चीज है वर्क कल्चर में, क्या है, रहना उसी कंपनी में है, जाना नहीं है, और उसी कंपनी को रोज गाली देना है। आप देखना जो लोग काम करके आए हैं, जो अगर कोई बंदा किसी दूसरे कंपनी से आता है, उस कंपनी में छोड़ के आया है, मतलब वहां पे उसको कुछ कम मिल रहा था इसीलिए ना छोड़ के आया है, कुछ ना कुछ तो उसके साथ प्रॉब्लम था वहां पे इसलिए छोड़ के आया है, या फिर यहाँ पे बेटर हो गए, यहाँ पे आके बोलेगा आप, अरे पिछला कंपनी अच्छा था यार, ऐसा ये मिलता था वो मिलता था, इतना देता था ऐसे देता था, दिवाली पे ये बड़े बड़े गिफ्ट मिलता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा था, हर किसी के मुंह से यही सुनोगे, अगर इतना ही अच्छा था तो तू छोड़ के क्यों आया भाई? एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ पर्सन, जिन ये उसकी प्रॉब्लम है, ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है ऐसा, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा ही कर रहा हूं। मैं अपना एक स्टोरी बताता हूँ, एक प्लांट में काम कर रहे थे, बहुत दूर का प्लांट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, प्लांट का लाइट अप होने वाला है, एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट लॉस होने वाला है, जब वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ले रही थी तो मैं उसके अगेंस्ट में था कि यार ये प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला है, इसको मत ले हाथ पे, लेकिन जो सीनियर लोग और थे बोला नहीं यार ये तो बच्चा है चलो ठीक है ले लेते हैं, एट दैट टाइम माई एज वॉज अप्रोक्सीमेटली 28, 27, 28 इस टाइप का, तो किसी को फर्क नहीं पड़ा, आप यंग ब्लड प्रोजेक्ट ले लिया है, मुझको डेपुट कर दिया है, मैं वहां पे चला गया, अब पूरा एफर्ट क्या लगाना है, इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना है, रन कराना है, लाइट अप करना है, 1 महीना तक हमने काम किया सब कुछ ठीक हो गया, लाइट अप करने से जिस दिन लाइट अप होने वाला है उस दिन शाम को बैठ के जो सीनियर आदमी है वो क्या बोल रहे, नहीं यार ये नहीं चलने वाला है ये बेकार हो गए, तो
यार पहले क्यों नहीं बोले, अब बोल के क्या होगा, जब बोलने का टाइम था तब बोल देते, तब सोचने का टाइम था, अभी टाइम नहीं है। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ इंप्लीमेंट करना है और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो बोलता रहता हूं ना कि प्लानिंग कर लो पहले, और जब एग्जीक्यूट करने की बारी आए ना, जब काम कर रहे हो तो प्लानिंग मत करो। अगर लग रहा है गड़बड़ है तो फिर वहीं पे एग्जीक्यूशन को रोक दो, प्लानिंग कर लो। दो काम एक साथ मत करो, प्लान और एग्जीक्यूशन एक साथ मत करो। प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो दिमाग बंद सिर्फ एग्जीक्यूशन पे। नहीं हुआ है, कंप्लीट हो गया, उसके बाद बैठ के देखो कि यार क्या सोचे थे और क्या हुआ। लोगों का क्या होता है, दोनों चीज साइमल्टेनियस चलता रहता है हमेशा, प्लानिंग कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और हर रोज लग रहे हैं नहीं यार ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये दिक्कत आ गई, ये तो नहीं। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले प्लान कर लेना है, और जब प्लान करना है आप डेफिनेटली स्क्रूटनी करके कर रहे हो, 1000 पॉइंट्स आपके दिमाग में कुछ है, ऐसा करेंगे तो ये होगा, वैसा करेंगे तो वो होगा, तो वो सारी चीज लेके ना प्लान किए हो, फिर जो प्लान कर लिया उसको एग्जीक्यूट कर डालो। करने के बाद बैठ के देखो कि हाँ यार ये प्लानिंग में ये गड़बड़ रह गई थी, और अगर आपको लग रहा है प्लानिंग में गड़बड़ रह गई थी तो एग्जीक्यूशन को रोक दो, फिर से प्लान कर लो, सीधी बात है। गेटिंग माई पॉइंट? सो जब हम समुन्दर में कूद जाए तो तैरना आए ना आए पार होना तो पड़ेगा, उसमें और दो राह नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा अभी तक का जितना सारा ये जो कुछ मैंने बोला आप लोगों को, उसका थीम का एक वेरी इंपॉर्टेंट मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले अपने आप को, अपना माइंडसेट को तैयार करना पड़ता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस जॉब के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से मेरा माइंडसेट जब ठीक होता है ना, तो मेरी बात करने में भी वही चीज छलकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अंदर से कुछ चीज सोच रहे हो और बाहर से कुछ चीज दिखा रहे हो, वो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट इंटरव्यू पे तो होगा नहीं। इंटरव्यू पे वही होगा जो आप सोचते हो, जो फील करते हो। अगर आप फील ही गलत कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ये जो मैं सोच रहा हूं ये सोच ही मेरी गलत है, तो कैसे होगा। और एक चीज होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि इंटरव्यू पे ना जाके एकदम, मतलब सर ये जॉब की मेरे को बहुत जरूरत है, चाहिए ही चाहिए, मेरा घर नहीं चल रहा है, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, मेरे घर में बीमार बाप है, ये है वो है, प्राइवेट में जगह नहीं है, रोने का है ही नहीं। आप अगर रो रहे हो, भीख मांग रहे हो क्या, तो जॉब भीख मांगने से नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी आपकी काबिलियत पे। इफ यू डिजर्व दिस यू कैन हैव दिस। तो वहां पे कभी भी ना किसी के सामने ये नहीं बोलना है कि सर मुझको इस जॉब की बहुत जरूरत है, मेरा फैमिली नहीं चल रहा है, घर नहीं चल रहा है, मेरे को वो जॉब दे दो, तो कोई देने वाला है नहीं, एकदम प्योरली लिख के रखो, कोई देने वाला नहीं है। आपको ये शो करना पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि सर आई डिजर्व दिस जॉब। आपको जो जो काम के लिए जैसा जिस पर्सन को आप ढूंढ रहे हो, आई एम द बेस्ट पर्सन, बेस्ट सुइटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब, और उसको आप बोल के नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा आई एम सेइंग दिस बिकॉज दीज आर द क्वालिटीज दैट आई परसीव, मेरे पास है ये सारे स्किल है, ये एटीट्यूड है मेरा, हम लिखते हैं ना प्रोफेशनल एटीट्यूड रिज्यूमे में, हाँ टीम वर्क, टीम लीडर, तो ये लिखने को लिख देते हो, बट है क्या चीज वो, यही सारी चीजें हैं। वो टीम लीडर होता है जो टीम के साथ चलता है, लेकिन जैसे मैं आपको एक गड़बड़ टीम दे दूं, वही पे आप फेल कर जाते हो, फिर बोलते हो ये बात नहीं सुन रहा है, वो बात नहीं सुन रहा है। अब मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं ना, उनको दिक्कत क्या है, ऊपर से भी उसको झाड़ झाड़ पड़ रही है, नीचे वाला उसकी बात नहीं सुन रहा है। ये नहीं बोल सकता है कि नीचे वाला मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैंने तो उसको ये काम दे दिया था, उसने नहीं किया। अगर कोई कंप्लेन करता है ना टॉप में कि नीचे वाला मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो वहीं पे इसका पॉइंट कट रहा है, इसका नहीं कट रहा है, कट रहा है पॉइंट इसका, मिडिल लेवल मैनेजर का, कि तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो।
अब मैनेज करने का एक तरीका है, वो तरीका ये नहीं है कि आप उसको वर्कलोड दे दो, उसको गाली दो, उसको दिखाओ कि मैं बॉस हूं, वो सुनेगा नहीं आपकी बात। जब तक आप में वो पावर नहीं आ रही है ना, आपकी बात कोई सुनने वाला है नहीं। और पावर कब आती है? जब आपको उस पर्टिकुलर चीजों का पूरा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, मोटिवेशन रहे कि ये काम हो जाना चाहिए, तो आप में वो पावर आती है। पावर तब आती है जब आपको काम आता है, काम नहीं आता है तो पावर नहीं आएगी, आप में हमेशा वीकनेस रहेगी। या तो आप उस कंपनी के मालिक का कुछ रिलेटिव होंगे तो आपकी बात हर कोई सुनेगा, अदरवाइज मिडिल लेवल मैनेजर का क्या दिक्कत है? आप जूनियर को काम दोगे, वो काम बिगाड़ के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको इसको झाड़ देना है काम को लेके। मैंने तेरे को ये काम दिया था, काम क्यों नहीं हुआ? आप इसको नहीं पता लगने दोगे कि इसके वजह से वो काम बिगड़ा है। अगर काम बिगड़ गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है कि सर ये काम तो बिगड़ गया है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ठीक करता हूँ, रुकिए। उसके साथ वहीं पे खड़ा हो जाना है जाके, भाई चल क्यों नहीं हुआ, मैं हूं तेरे साथ। दो चीज होंगी, दो ही चीज होंगी, या तो उस बंदे में दो चीज की कमी होगी, एक स्किल की कमी होगी या फिर विल की कमी होगी। या तो वो काम करना ही नहीं चाहता है, या फिर वो काम उसको आता नहीं है। इन दोनों में से एक होगा कि उसने करना तो चाहा लेकिन गलती कर दी, मतलब स्किल की कमी है। तो आप उसको सिखा सको, उतना नॉलेज आप में हो कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, वैसा करते हैं, या फिर कोई उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढो, उसके साथ मिलके ढूंढो, यही तो तरीका हो सकता है ना। और दूसरा होता है विल की कमी, कि यार तू बोल रहा है मैं करूंगा ही नहीं, चल क्या करेगा। तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें विल स्किल की कमी नहीं है, विल की कमी है। तो उसको दो तरीका हो सकता है, या तो उसको अपने साथ मिलाओ, उसके साथ बैठो, उसको अपने साथ में अपने काबू में करो। और शेर जो होता है ना जंगल का, शेर को जो काबू करता है हंटर मार मार के, दो चीज करता है, एक उसको मारता है बहुत ज्यादा, दूसरा प्यार भी बहुत ज्यादा करता है, उसको खाने को भरपूर मिलता है। उसको अगर खाली मारता रहेगा ना, वो एग्रेसिव हो जाएगा, हो जाएगा ना एग्रेसिव। तुमको अगर सिर्फ मारते रहे हम, तुम अगला दिन मेरे बात सुनेगा नहीं? सुनेगा ना। तुम बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं? दो झापड़ भी लगा दिए, फिर उसको प्यार भी कर लिए, दो टो चॉकलेट लेके दे दिए उसको, तो वो देखेगा नहीं यार पापा जो है वो मेरे को प्यार भी कर रहा है, हाँ थोड़ा बहुत मार रहा है। तो मार तगड़ा होना चाहिए लेकिन थोड़ा होना चाहिए, प्यार ज्यादा होना चाहिए। उसको काम नहीं आया, नहीं कर पाया ना, उसको लेफ्ट एंड राइट दे दो, काम में गड़बड़ी नहीं चलेगी। काम में किसी भी किस्म की गड़बड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लैंग्वेज यूज करना है लैंग्वेज यूज करो, जो हथियार यूज करना है करो, लेकिन काम में गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो काम है, काम हो जाना चाहिए, राइट टाइम पे हो जाना चाहिए, चाहे तुमको 2 बजे काम करना पड़ रहा है करो, लेकिन इसको फिक्स करो, ये होना चाहिए एटीट्यूड। और हम लोग आसामीज लोग कहाँ से हैं? लाचित बरफुकन द बेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल, वर्ल्ड का बेस्ट एग्जाम्पल वही है। वो बोल के गया है भाई कि काम पहले, बाकी सारा आराम बाद में। आराम का जगह नहीं है कि थक गए हो, मर गए हो, मर रहे हो, जगह नहीं है उसका, पहले काम हो जाना चाहिए। तो विल रहना चाहिए, स्किल आ जाएगा, विल नहीं रहेगा तो दिक्कत है। स्किल डेवलप कर सकते हैं, विल डेवलप नहीं कर सकते, विल अंदर से आता है। विल पावर को बनाना, मोटिवेट करना, अपने आप को बना के रखना, ये डिपेंड करता है परसेप्शन पे कि आप कैसे देखते हो चीजों को। अगर आप सिर्फ पैसों से चीजों को तोड़ रहे हो ना, तो दिक्कत आने वाली है आपकी जिंदगी में। पैसा फॉलो करेगा आपको, अगर काम सही डायरेक्शन पे सही तरीके से कर सकते हो तो। ये सारी बातें, जितनी बातें मैंने बताई, वो एक माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए कि हाँ भाई मेहनत करना है आपका। आपको ये पता होना चाहिए कि मेहनत मेरे को करना है। हो सकता है 8 घंटे का जॉब हो सकता है 12 घंटे का जॉब हो,
और जितना ऊपर चढ़ेंगे तो 24 घंटे का जॉब होता है। कोई भी एक एक पकड़ लो, एक इंडस्ट्री है और उसका प्लांट हेड है, प्लांट हेड बड़ा पोस्ट होता है, उस पूरा एंटायर प्लांट का हेड है वो कितना घंटे का काम करेगा? 8 घंटे का करेगा? नहीं, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 24 आवर्स। उसको हर एक मोमेंट की खबर होनी चाहिए, हर हर सेकंड का रिपोर्टिंग होना चाहिए। रात के 2 बजे भी कोई इंसिडेंस होता है तो उसके पास पहला फोन जाएगा, वो उठ के फोन को पकड़े, वो नहीं बोल सकता अरे क्या रात को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर उसने ये बोल दिया कि इतने रात को क्यों फोन कर रहे हो, कल सुबह देखेंगे, तो वो प्लांट हेड होने की, प्लांट मैनेजर प्लांट हेड होने का वो ये नहीं रखता है। समझ में आ रहा है? तो इस बात को बहुत बढ़िया से समझना कि कब तक आ गया कि भाई वर्क कल्चर जो है ना उसके साथ अपने आप को मैच कराना है। इंटरव्यू में हम जो बोलते हैं वो होता है, हम जो सोचते हैं उसी का रिफ्लेक्शन। तो अपना सोच को चेंज करना पड़ेगा। आपकी कमजोरी ही है। आपको फोकस करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रेंथ कहाँ पे है। वीकनेस को भूल जाओ और अपने आप को बदलो। वीकनेस खुद को जानने के लिए, अपने खुद के जानने के लिए, हाँ यार मेरा तो प्रॉब्लम यह दिख रहा है मुझको। आप सिर्फ फोकस यहाँ पे करो कि नेक्स्ट 1 वीक का मेरे पास बंदोबस्त है कि नहीं है, तो इस 1 हफ्ते में मैं क्या कर सकता हूँ। उस छोटे छोटे प्लानिंग से चलो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन काम करने का तरीका आना चाहिए। अच्छे से करोगे हर एक काम आपको सक्सेस दे सकता है, कोई भी काम सक्सेस दे सकता है। एग्जाम्पल भी है, ठीक है। नाउ वी कम टू आवर पॉइंट कि किस चीज का ये इंटरव्यू होने वाला है। ये इंटरव्यू होने वाला है ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए। रिक्रूटमेंट जो होगा वो रिक्रूटमेंट मेनली है ऑटोमेशन इंजीनियर। ये प्रोजेक्ट है, बड़ा सा प्रोजेक्ट है, लंबा चलेगा, और इसमें पहले तो कमीशनिंग होगी और फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस के लिए भी वो परमानेंट वहीं पे रखने वाला है, ठीक है। मेन जो कंट्रोलर वहां पे यूज होने वाला है वो है सीमेंस। तो सीमेंस पीएलसी अगर यूज होने वाला है, हमको पता है कि हाँ यार ये रिक्रूटमेंट सीमेंस के लिए है, तो हमको सीमेंस के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए। सीमेंस के सारे मॉडल्स, क्या क्या मॉडल के पीएलसी होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, उसका लैंग्वेज, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है। तो सीमेंस के ऊपर हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पैनल, एलटी पैनल, जैसे वो क्या बोल रहा है कि हमको चाहिए भाई ऐसा बंदा जो हमारे एलटी पैनल को मेंटेन कर सकते हो। एलटी पैनल मतलब क्या है? पावर सप्लाई पैनल होता है, जो मेन फेज आते हैं और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी पकड़ लो कोई भी सिस्टम होगा तो वहां पे मोटर लगेगा, रोटरी इक्विपमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे, तो मोटर कंट्रोल सर्किट आपको पता है, इंडक्शन मोटर होगा, स्टार डेल्टा सर्किट पता है, ना प्रियंका? तो स्टार डेल्टा सर्किट उसको कैसे बनाना है, ड्राइंग करना है, मेंटेन करना है, और उसका प्रोटेक्शन क्या क्या होता है। मोटर का प्रोटेक्शन बताओ प्रियंका, मोटर का प्रोटेक्शन ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कौन सा रिले? ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बताया। रिले लगाने पड़ेगा मतलब क्या है? तो और क्या लगाओगे? प्रोटेक्शन मतलब रिले है। कौन सा रिले? इंडक्शन मोटर का प्रोटेक्शन बताओ। थर्मल ओवरलोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, या फिर ओवरलोड रिले बोल। यार देखो, अगर ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, पकड़ लो आप बोल रहे हो कि मैंने मैट्रिक पास करके आ गया हूँ, बीटेक कर लिया है, तो मैं अगर पूछूँ कि आप बताओ तो भावेल कितना होता है इंग्लिश में, अब बोले इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, भावेल कैसे याद रहेगा, तो कोई मानेगा नहीं ना, मानेगा। तो ये सब सारी बातें ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, आपके लिए बड़े हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने पॉइंट्स आपको नहीं बताए हैं। तो जितने सारे पॉइंट्स मैंने बार बार रिपीट किया है, मोटर कंट्रोल सर्किट का वो कैसे कनेक्शन होता है, क्या क्या रहता है उसमें, है ना, NONC कॉन्सेप्ट समझा दिया है, स्टार डेल्टा सर्किट समझा दिया है, डायरेक्ट ऑनलाइन समझा दिया है, क्यों होता है वो बताया है,
कौन सा क्यों यूज होगा, ये सारी बातों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरव्यू में वो कॉन्फिडेंस रहे। वहां पे अगर आप वो पूछेगा और आप फिर पजल्ड हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस तो हजारों है ना, हजारों टाइप के क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं होता है कि जो सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा वो सारे आंसर आपको आते होंगे, लेकिन उसके रिलेवेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप वहां पे डिस्कस कर सको। एक एक्सपीरियंस इंजीनियर और एक फ्रेश इंजीनियर में क्या अंतर होता है, वही सारी बातें जो हमको पता है कि भाई मशीन में क्या लगते हैं, कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज है, उसका टेक्निकल नाम क्या है, वो चीज आप लोगों को पता नहीं होती है। और इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि वो सारी चीजें आपको पता हो जाए। और उसका दो कारण है, मैं पहले से शुरुआत से बोल रहा हूँ। एक तो पहला चैलेंज हमको फेस करना पड़ता है इंटरव्यू, और दूसरा काम होता है जब हम लोग फील्ड पे होते हैं ऑन जॉब। इंटरव्यू का तैयारी अलग से होता है, ऑन जॉब तैयारी अलग से होता है, अलग से होता है। क्यों अलग से होता है, क्योंकि इंटरव्यू में हमको वार्डली बताना पड़ता है चीजों को कि भाई मेरे को आता है। अब मैं अब सिर्फ इंटरव्यू के लिए आप लोगों को तैयार कर दूं तो ये उस कंपनी के लिए धोखा हो जाएगा, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाएगा आपको। आप थियोरिटिकली पूरा बोलते हैं ना, क्या जो सिर्फ बोलते हैं, तो बोलने में माहिर बन जाओगे, क्वेश्चन आंसर करा दिए, टेक्निकल पॉइंट्स सिखा दिए, वो सारी बातें हो जाएगी। पर एक छोटा सा काम दे दिए तो वहां पे जाके आप फंस गए कि भाई वाल्व को खोलो लगाओ, या फिर उसको कनेक्शन दो, टर्मिनल्स कहाँ पे है, पीएलसी है, उसका कनेक्शन करना है, कनेक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, आइडिया ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दोनों चीज अलग से होती है, इसमें थियोरिटिकली हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इंटरव्यू के लिए वर्सेटाइल नॉलेज चाहिए, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाम जाने, समझना मेरी बात को, नाम जानने से काम नहीं चलेगा। उसके फंक्शन फंक्शन को बहुत बढ़िया से समझना है, वो दिखता कैसे है, कनेक्शंस कैसे होते हैं, टर्मिनल्स का में क्या क्या लिखा होता है, हम बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है। जैसे अगर कोई कॉइल होता है तो यहाँ पे A1 A2 ही लिखा मिलेगा आपको, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। कॉन्टेक्ट होते हैं, NONC कॉन्टेक्ट होते हैं, किस तरीके से कनेक्शन देना है, तो उसमें अभी मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर आपको कोई एक सर्किट मिल जाए तो आप कर सकते हो, उतना आइडिया हो गया है आप लोगों को, कर सकता है ना, नहीं कर सकता है, कर सकते हैं विजन, कर सकता है ना, नहीं कर सकता है। सो रिमेम्बर वन थिंग, ये जो ट्रेनिंग चल रहा है ना, इट इज नॉट योर नॉट फॉर योर सेमिस्टर एग्जाम। सेमिस्टर एग्जाम में कि आप 80% चीजें भूल गए हो, 20% याद रहा जो एग्जाम में आ गए और आपने फुल स्कोर कर लिया, उसका कोई जगह नहीं है। यहाँ पे 100% तैयार होना पड़ेगा, 100% तैयार होना पड़ेगा, हर एक चीज को समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसे ही होता है, मैं इसीलिए डिटेल में सिखाता हूँ, है कि नहीं। नाउ यू सी LT पैनल, तो पैनल में जो MCBs लगते हैं, एक पैनल बनता है तो MCBs होते हैं, MCCBs होते हैं, क्या क्या चीजें लगते हैं, उस सारी चीजों को देखो LT पैनल के ऊपर, LT पैनल का मेंटेनेंस है ना। दूसरा चीज PLC पैनल, PLC पैनल, अब PLC के पैनल में क्या क्या रहता है, तो पीएलसी तो पीएलसी लग गया है, पीएलसी मशीन कंट्रोल ही होगा वहां पे, मशीन कंट्रोल होगा तो छोटा पीएलसी लगेगा, कॉम्पैक्ट पीएलसी लगेगा, पीएलसी के टाइप आपको पता है, कॉम्पैक्ट होते हैं, मॉड्यूलर होते हैं, तो वहां पे जो लगने वाला है वो मेरे को पता है, कॉम्पैक्ट पीएलसी होगा, क्योंकि वो कुछ सिस्टम्स, बैगेज सिस्टम्स, इस टाइप का सिस्टम को हैंडल करना है, सीमेंस का पीएलसी यूज करके। तो पीएलसी का पैनल रहेगा तो उसमें इनपुट आउटपुट्स आएंगे, इनपुट आउटपुट कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, DI, DO, AI, AO। DI, DO कितने वोल्ट पे काम करते हैं, 0 to 24 वोल्ट DC। AI, AO कितने पे काम करते हैं, 4 to 20 mA करंट सिग्नल। आपसे पूछेगा इंटरव्यू पे कि भाई ये 4 to 20 mA ही क्यों है,
0 to 20 mA क्यों नहीं है? व्हाई इट इज 4 to 20? एक सवाल बन सकता है ना, 0 to 20 क्यों नहीं लिया? तो उसका दो जवाब है। नंबर वन कि अगर वो लूप जो है, पकड़ लो ये मेरा पीएलसी है, आपको अभी पता है कि पीएलसी क्या कैसे काम करता है, लूप रहता है ना, यहाँ पे मैंने वो ट्रांसमीटर लगा दिया, एनालॉग ट्रांसमीटर जो भी होगा, वो ट्रांसमीटर लगाया, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, 4 to 20 mA प्रोसेस कर रहा होगा इसके साथ। पकड़ लो ये 4 to 20 mA की जगह पे 0 to 20 mA है, तो जब ये, और ये ट्रांसमीटर कुछ खराब हो गया है, नॉट वर्किंग, ट्रांसमीटर खराब है, यहाँ पे चेक करने से हमको क्या मिलेगा, 0 mA मिलेगा। सही होने से भी 0 मिलेगा, खराब होने से भी 0 मिलेगा। पकड़ लो यहाँ पे लूप जो है वो ओपन हो गया है, या तो तार कट गया है, या फिर बीच में कुछ जंक्शन बॉक्स था, उस जंक्शन बॉक्स से तार खुल गया है, तो कितना मिलेगा एम्पियर, 0 एम्पियर मिलेगा। अगर सही लूप होगा तब भी कितना मिलेगा, 0 एम्पियर मिलेगा। तो डिटेक्ट करने में परेशानी हो रही है मुझको करंट सिग्नल को, कि क्या ये लूप कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अगर ये 4 to 20 mA होता है, तो जब 0 पोजीशन पे है, तो मुझको 4 mA तो मिलना ही मिलना है। तो 4 mA को चेक करने से मेरे को इनिशियल जो 0 पोजीशन है वो पता चल रहा है कि भाई हाँ लूप सही है, ट्रांसमीटर इज वर्किंग, तो यहाँ पे ये जो चैनल है वो चैनल काम कर रहा है, 4 mA तो आ रहा है मेरा। तो मेंटेनेंस पर्पस से देखें तो एक चीज तो समझ में आता है कि लूप कट गया है कि नहीं है, वो पता है। अगर लूप कट गया है तो 0 मिलेगा, समझ में आ रहा है। दूसरा चीज ये है कि 0 to 4 mA जो मेन लॉजिक है वो है 0 to 4 mA सिग्नल जो होता है, एक तो मिलियम्पियर का सिग्नल है, समझ ही सकते हो मिलियम्पियर कितना छोटा करंट है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगा उस पे। तो 0 to 4 mA पे हाईली नॉन लिनियर करेक्टरिस्टिक्स है मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन लिनियर करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रहे, स्टेडी स्टेट करेक्टरिस्टिक चाहिए ना आपको, लिनियर करेक्टरिस्टिक चाहिए ना। सो 4 to 20 mA पे लिनियरली बिहेव करता है। और एक सवाल हो सकता है, देखो ये सारे क्वेश्चंस जो बोल रहा हूँ इसको दिमाग पे सट सटा के रखो, ऐसा नहीं है कि सुन रहे हो, भूल रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ के रट्टा मार के जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिपीट करते हैं, 50 बार रिपीट कर चुके हैं और भी करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि हम उस चीज की अंडरस्टैंडिंग को ले ले कि भाई एग्जैक्टली क्यों हो रहा है वो चीज। अगर आप जानते हो कि ऐसा होता है और इसलिए होता है, तो इंटरव्यू पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आप समझा सकते हो चीजों को, है ना। काम करते वक्त आप लॉजिक लगा सकते हो कि ये ऐसा होने से वैसा होता है, तो ऐसा होना चाहिए, एनालिटिकल एस्पेक्ट बिल्डअप होता है दिमाग में। दूसरा एक सवाल होता है कि भाई यहाँ पे हम वोल्टेज लेते हैं डिजिटल में और एनालॉग में करंट क्यों यूज करते हैं? हाँ तो यहाँ पे भी वोल्टेज को वेरी कराओ, क्या दिक्कत है, एनालॉग में वोल्टेज सिग्नल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं और डिजिटल में वोल्टेज ही क्यों ले रहे हैं? देखो एनालॉग में भी वोल्टेज सिग्नल यूज होता है, 0 to 10 वोल्ट कहीं कहीं पे, कुछ ट्रांसमीटर्स वगैरह है हमारे 0 to 10 वोल्ट पे, बट रेयरली यूज करते हैं। 4 to 20 mA सिग्नल यूज करने, करंट सिग्नल यूज करने का मेन पर्पस ये है कि लूप में जो करंट बहेगी ना वो कांस्टेंट रहेगा, सेम करंट जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, ज्यादा दूर गया, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ा तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन करंट क्या है, सेम करंट पास करेगी, समझ में आ रहा है। सो एनालॉग सिग्नल इज मोस्टली वी प्रेफर 4 to 20 mA सिग्नल्स, 90% जो इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे आपको मार्केट पे या फिर इंडस्ट्री में जो हम यूज करते हैं, 4 to 20 mA सिग्नल यूज होते हैं। ओके, उसके अलावा एनालॉग का और दो
इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हमको यूज करना होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, आरटीडी एंड थर्मोकपल। थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है? थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है? कितना वोल्टेज? ये जो बोलना है ना कि वोल्टेज, ये शो करता है कि आपको पता नहीं है, या फिर आप सुना होगा, आपने कभी काम नहीं किया होगा, क्योंकि जो भी काम किया है वो सिंपल उसके मुंह से एक ही चीज निकलेगा, क्या निकलेगा? मिली वोल्ट। वो सिर्फ वोल्टेज नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? मिली वोल्ट देता है हमको, ठीक है। थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है? मिली वोल्ट। आरटीडी का आउटपुट क्या होता है? आरटीडी मिली वोल्ट। आरटीडी का आउटपुट रेजिस्टेंस। आरटीडी का आउटपुट ओम मिलेगा। थर्मोकपल का आउटपुट मिली वोल्ट मिलेगा। प्रियंका क्लास किया था ना वो आरटीडी और थर्मोकपल। फिर आरटीडी का मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? PT100 मॉडल। थर्मोकपल के टाइप, के टाइप थर्मोकपल। ये सब करा चुके हैं, फिर से रिपीट करेंगे। तुम नहीं आया था, और नहीं आया होगा तब भी वीडियोस रखा हुआ है, टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट का, है ना? PT100, Platinum 100, मतलब प्लेटिनम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ओम रेजिस्टेंस, 100 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। और थर्मोकपल जो है, अलग अलग टाइप के थर्मोकपल होते हैं, के टाइप, आर टाइप, जे टाइप, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। के टाइप में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? क्रोमेल एंड एलुमेल। क्रोमेल एलुमेल, क्रोमेल मतलब क्रोमियम और निकल का एलॉय, एल्यूमिनियम एंड निकल का एलॉय, उसको यूज करो तो जो थर्मोकपल बनेगा उसको हम बोलेंगे के टाइप थर्मोकपल। इसका रेंज जो होता है 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाई टेम्परेचर के लिए मोस्टली हम लोग थर्मोकपल को प्रेफर करेंगे, लो टेम्परेचर में आरटीडी को प्रेफर करेंगे। हाई टेम्परेचर के लिए थर्मोकपल, लो टेम्परेचर के लिए आरटीडी। देखो, एक इंजीनियर में और एक टेक्नीशियन में कितना अंतर होता है। एक टेक्नीशियन सिर्फ इतना जानता है कि इसको खोलो, इसको लगाओ, इसको कनेक्ट कर दो, हो जाएगा, इस टाइप का दिख रहा है ऐसा लगा दो। एक इंजीनियर ये जानता है कि भाई इसको क्यों करना है, तो पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है इसमें। तो एक इंजीनियर को ये डिटेल्स में पता होता है, रेंज क्या होगा, कहाँ तक काम करेगा, कैसे काम करेगा, ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है। एक टेक्नीशियन को वो सारी बातें समझ में नहीं आती है, वो नहीं जानता है उतना ज्यादा, थ्योरी वो जानता नहीं है, यही अंतर होता है। अदरवाइज टेक्नीशियंस आर फार बेटर टू ऑपरेट द मशीन्स। लेकिन जब कभी गड़बड़ हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो फिर वहां पे इंजीनियर चाहिए होता है। समझ में आ रहा है वहाँ? तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए कि अगर मैं, क्योंकि टेम्परेचर मेजरमेंट तो हर जगह पे चाहिए होगा, इंडस्ट्री है तो टेम्परेचर मेजरमेंट करना ही करना है। तो टेम्परेचर जब मेजर करेंगे, मैं वो बाकी सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे नहीं जा रहा हूँ, जैसे पाइरोमीटर वगैरह, हायर टेम्परेचर, लेकिन जो नॉर्मल सी बातें हैं भाई, थर्मोकपल और आरटीडी। थर्मोकपल और आरटीडी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग, ये देख के कर सकते हैं टर्मिनल्स को। आरटीडी में कितना टर्मिनल रहता है? 6। आरटीडी का टर्मिनल कितना रहता है? 3। एक आरटीडी में 3 टर्मिनल रहता है, एक रेजिस्टेंस और 2 कॉमन।
अभी डुप्लेक्स आरटीडी होगा तो उसमें 6 टर्मिनल होगा, डुप्लेक्स होगा तो। डुप्लेक्स मतलब एक आरटीडी के अंदर दो आरटीडी रखा हुआ है ना, एक केसिंग के अंदर दो आरटीडी है। थर्मोकपल का टर्मिनल कितना होगा? दो टर्मिनल होगा, एक प्लस एक माइनस। इसमें दो सेम कलर के रहेंगे, पकड़ लो व्हाइट व्हाइट, और इसको दे दिया रेड और ऑरेंज। कुछ भी कलर दे सकता है, ब्लू, दो ब्लू दे दिया, एक ऑरेंज दे दिया, एक येलो दे दिया, वो कलर डिफरेंट दे दे, लेकिन दो सेम कलर के मतलब क्या है? इन दोनों में रेजिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा, कॉमन है, इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलीवोल्ट तभी मिलेगा जब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा ये दो टर्मिनल के बीच में। नॉर्मली अगर ऐसे मैदान पे रखा हुआ है तो फिर 0 मिलीवोल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, गॉट इट? तो ये सब ना एकदम एकदम कॉमन कॉमन चीजें, ये मतलब हर किसी को जानना चाहिए ये सब बातें। पीएलसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 5। क्या क्या क्यों सोचना पड़ता है आप बताओ? हाँ, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। हाँ, टेक्स्ट क्यों सोचना पड़ता है? इतना सा तो चीज सिखाया है, बहुत ज्यादा दिया है क्या? मैं इसलिए नहीं देता हूँ रोज, हर रोज थोड़ा चीज थोड़ा थोड़ा करके देते हैं ना, और उसको रिपीट करते हैं 50 बार, इसलिए करते हैं ताकि वो एकदम रट्टा हो जाए। वो जितना सारा चीज है आप लोग जितना लाइटली ले रहे हो ना, उतना आसान नहीं है चीजें, वो एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। 5 टाइप के लैंग्वेज होते हैं, 5 टाइप के लैंग्वेज क्या क्या है? इंस्ट्रक्शन लिस्ट, सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, लैडर लॉजिक। ये 5 लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उसमें से ग्राफिकल कितना है? ग्राफिकल क्या क्या तो दिस इज ग्राफिकल, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, लैडर लॉजिक ग्राफिकल है, हम सिंबल सिंबल्स यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिस्ट टेक्सचुअल है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट टेक्सचुअल है, सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट बना के हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेप्शन के नंबर के पास ठीक फ्लो चार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये एकदम ये सब ऐसा होना चाहिए ना, पूछने से पहले आपके मुंह से निकल जाना चाहिए। आपको पूछेगा, इंटरव्यू पे जाओगे, ऑटोमेशन का इंटरव्यू है भाई, आपसे नहीं पूछेगा कि भाई पीएलसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना क्या क्या है, आप कितना लैंग्वेज जानते हो, लैडर लॉजिक जानते हो नहीं जानते हो, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जानते हो कि नहीं जानते हो, एसएफसी जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना? तो वो पूछेगा ही पूछेगा, अब बोल दोगे, उसके बाद वो उसके अंदर जाएगा, ये बताओ ऐसा होगा तो क्या होगा। तो उतना तो अभी तक नहीं बने हो, होगा धीरे धीरे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो तो जानना चाहिए ना, उसी में अगर अभी तक कंफ्यूजन रहता है तो फिर तो सारा खेला बेकार हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? ये सब क्लियर होना चाहिए, दिमाग में सट जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। तो अभी तक वो मेरा वो रूप ही नहीं देखे हो तुम, मार भी पड़ सकती है, समझ में आ रहा है? तो मजाक नहीं है, बहुत मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, तुमको भी करना पड़ेगा। मजाक मजाक में रहोगे तो फिर मजाक बन जाएगा। एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आ गए हैं
तो ट्रेनिंग कर लिए, सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जॉब मिल जाएगी, नहीं करवा पाऊंगा। मैं जॉब का सिफारिश भी नहीं करता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के लिए, और इस गारंटी के साथ लेके आता हूँ कि सर आप एक बार देखिए हमारे बंदों को, फिर बात करना, कि वो अगर ना बोल पाए, ना कर पाए तो बताना पड़ेगा। अगर वो गारंटी लेके देते हैं ना, तो इसमें दो चीजें, कि सिर्फ आपको प्लेस करवा दिए और फिर वो वहां पे जाके आप काम ना कर पाए, तब भी बेइज्जती है यार, विल नॉट अलाउ दिस थिंग्स। सीखना पड़ेगा एकदम। हाँ अरे तो क्या कर क्या रहे हो, अभी तो कुछ काम भी नहीं है, काम धंधा तो है नहीं कुछ, अब दे बढ़िया से। हाँ तो बहुत एहसान कर दिया तुम मेरे पे। ऐसा मत करो रे, लाइफ तुम्हारा है, हमारा क्या है। नाउ पीएलसी का जो बिग लीडर्स है आज के डेट पे, एक नंबर होता है आपका एबी, मतलब अच्छा एलन ब्रैडली। एलन ब्रैडली, स्टीवेंस, फिर आपका ओमरॉन, और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे डेल्टा, मिचुविशी, तो बहुत सारे नाम हैं, नाम लिखते जाएंगे खत्म नहीं होगा, इतने सारे पीएलसी प्लेयर्स है ना। Just give me 2 minutes. अच्छा बताओ तो टाइमर, टाइमर कितने टाइप का होता है? हमने अभी तक जो सिंबल्स देखे, 3 सिंबल बेसिक देखे थे, चेक फॉर 1, चेक फॉर 0 एंड नॉन रिटेंटिव कॉइल। नॉन रिटेंटिव कॉइल को अगर हमको होल्ड कराना है तो क्या करते हैं, उसी का एक इनपुट हम लूप में लगा देते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया बेसिक बेसिक सिंबल्स। रिटेंटिव कॉइल्स आते हैं, रिटेंटिव कॉइल मतलब सेट एंड रिसेट कॉइल्स। तो सेट रिसेट, सेट रिसेट, सेट रिसेट का और क्या नाम है? इसका मतलब तुम लोग वीडियो देखा नहीं है, जो बिगिनर का 5 वीडियो में शुरुआत से बोल रहा हूँ वो अभी तक खत्म नहीं किया है, उसमें तो है ना। देखा था सेट रिसेट? नहीं देखा। सेट रिसेट को हम बोलते हैं लैच और अनलैच। एलन ब्रेडली में लैच अनलैच वर्ड यूज होता है, लैच लैच करा देना, होल्ड करा देना, तो लैच के साथ अनलैच आएगा, सेट के साथ रिसेट आएगा, एक ही बात है। अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे एलन ब्रेडली जो सॉफ्टवेयर यूज करता है
वो आज के डेट पे एलन ब्रेडली का और एक नाम हो गया है, रॉकवेल ऑटोमेशन, जो कंपनी है रॉकवेल ऑटोमेशन, जो पहले सॉफ्टवेयर ही देखता था, तो ये रॉकवेल ऑटोमेशन के अंडर पे ही चलता है। अभी भी एलन ब्रेडली एक ब्रांड बन के रह गया है, लेकिन ओवरटेक कर लिया है रॉकवेल ऑटोमेशन ने। ब्रांड अभी भी एलन ब्रेडली एबी ही चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सारा कंट्रोल किसके पास है, रॉकवेल ऑटोमेशन का है, ये सॉफ्टवेयर बनाती थी। अब बात करते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है एलन ब्रेडली का, क्या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है एलन ब्रेडली का पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? आरएस लॉजिक्स। रॉकवेल ऑटोमेशन का आरएस लॉजिक्स, आरएस लॉजिक्स 500, आरएस लॉजिक्स 5000, ये दो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। माइक्रोलॉजिक्स में, माइक्रोलॉजिक्स में आरएस लॉजिक्स 500, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, कंट्रोल नेट, कंट्रोल लॉजिक्स, बड़ा जो मॉड्यूलर पीएलसी है उसमें, बड़ा पीएलसी में आरएस लॉजिक्स 5000 यूज होता है। ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर है। अब आरएस लॉजिक्स 500, जैसे मैंने एलन ब्रेडली का जो पीएलसीज है उसमें अलग अलग टाइप के सीरीज है, छोटा पीएलसी है, बड़ा पीएलसी है ना, हमने देखा था कॉम्पैक्ट पीएलसी होते हैं, मॉड्यूलर होते हैं, रैक टाइप पीएलसीज होते हैं। तो कॉम्पैक्ट पीएलसीज जो है, छोटा पीएलसी है, उसमें कुछ मॉडल्स चलते हैं जैसे माइक्रोलॉजिक्स, माइक्रो, ये सीरीज है माइक्रोलॉजिक्स सीरीज, तो माइक्रोलॉजिक्स 1100, माइक्रोलॉजिक्स 1400, माइक्रोलॉजिक्स 1500, इस टाइप से अलग अलग सीरीज के पीएलसीज आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे देखा है तुम लोग का, कौन सा था, माइक्रोलॉजिक्स 1400, एलन ब्रेडली का जो सीपीयू हमारे पास है कौन सा है, माइक्रोलॉजिक्स 1400। उसमें क्या है, एक छोटा सा एचएमआई दिया हुआ है ऊपर में, दिखाया था, जिसमें हम लोग देख सकते हैं, मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज दिखता है उसमें पीएलसी में। सो माइक्रोलॉजिक्स 1400 रॉकवेल ऑटोमेशन का है, आरएस लॉजिक्स 500 से उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, आरएस लॉजिक्स 500, ये जानना जरूरी है। इफ समवन इज आस्किंग यू, आप पकड़ लो तुमने जो किया कि यहाँ पे चलो प्रोजेक्ट किया, तो कौन से पीएलसी में काम किया है, तो सर माइक्रोलॉजिक्स 1400 में पीएलसी में काम किया हूँ। आपको बोल रहा है कि सीमेंस का पीएलसी में काम किया है, तो सीमेंस तो अभी तक हमने किया नहीं है, तो सीमेंस का पीएलसी में S7 अभी जो चल रहा है, S7, S5 ऑब्सोल्यूट हो गए, S7 चल रहा है। तो हमारे पास क्या है, S7, S2 सीमेंस का पीएलसी है हमारे पास, एक S7 200 है, एक S7 1200 है। तो S7 200 भी ऑब्सोल्यूट हो चुका है, अभी और मार्केट पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो S7 1200 चल रहा है। ठीक है, टाइमर, हाँ आ रहा है, आ रहा है। तो अच्छा, हम लोग इसमें बात कर रहे थे ना, ये दो स्पेशल सिंबल्स हैं, सेट रिसेट और लैच अनलैच, दोनों का फंडा एक ही है, लैच का मतलब सेट, अनलैच का मतलब रिसेट। जैसे हमने हमने क्या किया था कि पकड़ लो, ये मैंने आउटपुट जनरेट किया, यहाँ पे स्टॉप पुश बटन लगा दिया, और इसी आउटपुट को अगर मुझको लैच कराना है तो फिर पैरेलल स्टार्ट के हम ले रहे थे। ठीक है, तो ये लैच हो जाता, क्या हो जाता, लैचिंग हो जाता, होल्ड हो जाता, होता है ना। तो इससे नहीं करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पकड़ लो ये I1 है, ये I2 है, तो I1 को प्रेस करेंगे स्टार्ट, I2 है मेरा स्टॉप, है ना। तो सेम चीज को हम क्या कर सकते हैं, लैच अनलैच कॉइल यूज कर सकते हैं, कि I1 अगर आएगा तो ये लैच होगा, और I2 अगर आएगा तो ये अनलैच हो जाएगा। तो
तो लेच के बाद ही अनलेच आएगा, हमेशा सेट के बाद ही रिसेट आएगा। स्टॉप इज ऑलवेज प्रेफर्ड देन स्टार्ट, ऑटोमेशन में स्टॉप इज ऑलवेज प्रेफर्ड देन स्टार्ट, कि आप मशीन को स्टार्ट कर सको ना कर सको बात की बात है, लेकिन स्टॉप होना चाहिए। मशीन स्टॉप नहीं होगा तो डेंजरस है कि नहीं। तो लेच अनलेच, अगर मैं अनलेच के बाद में लेच लगा देता हूँ, रिसेट के बाद सेट लगा देता हूँ, तो जब सेट होगा तो वो कभी रिसेट नहीं होगा, क्योंकि इसका एड्रेस क्या होगा, ये भी O1 एड्रेस ही होगा, ये भी O1 होगा, मतलब मेमोरी एड्रेस जो है वो सेम मेमोरी एड्रेस है। तो अगर मैं सेट के बाद रिसेट लगाता हूँ और दोनों साइमल्टेनियसली आते हैं, तो कौन सा प्रेफर्ड आएगा, रिसेट। लेकिन अगर मैं सेट को रिसेट के बाद लगा देता हूँ तो कौन सा आएगा, सेट। वो बताया था सिक्वेंशियली एग्जीक्यूशन होगा, जो लास्ट में रहेगा उसी का वैल्यू यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा, तो सेट अगर नीचे है तो सेट रह जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो सेट हमेशा आगे आएगा, उसके बाद रिसेट आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, सेट रिसेट ये क्यों यूज कर रहे हैं, तो इस ये जो झंझट है ना उससे हम बच सकते हैं, उससे बच सकते हैं प्रोग्रामिंग में, क्लियर। दूसरी बात मैं बोल रहा था टाइमर का, टाइमर क्या होता है, ऑन डिले टाइमर होता है टी ऑन, ऑफ डिले टाइमर होता है टी ऑफ, एंड रिटेंटिव टाइमर होता है RTO, रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर, रिटेंटिव टाइमर। ऑन डिले टाइमर कैसे काम करता है, बताया था कि जब पल्स, इस पे क्या क्या बिट रहते हैं, देखो ऑन डिले टाइमर, टाइमर जो होता है ना, टाइमर में 3 बिट मिलते हैं, एक होता है आपका टीटी बिट, एक होता है डन बिट, एंड एन बिट। क्या क्या बोला मैंने, तो ये 3 बिट मिलते हैं किसी भी एक टाइमर में, टीटी बिट, डन बिट, एंड ईएन, ईएन मतलब एनेबल। ये काम कैसे करता है उसको दिखा देते हैं, टाइमर का पकड़ लो, मैं एलन ब्रेडली की बात कर रहा हूँ। तो ये एक टी ऑन टाइमर लिया मैंने, ठीक है, टी ऑन टाइमर लिया, तो जब टाइमर का जो एनेबल सिग्नल होगा वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखेगा मुझे। इसके साथ हम कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं जिससे कि ये ट्रिगर करे, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग टाइमर को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे, और ये कैसा टाइमर है, ऑन डिले टाइमर है, ऑन डिले टाइमर है। तो यहाँ पे लिखा होगा टाइमर ऑन डिले, टाइमर का नंबरिंग करना पड़ेगा, जैसे टैग देते हैं ना i:0.0/0 इनपुट के लिए, उसी तरीके से टाइमर का जो फाइल है वो 4 नंबर फाइल पे है। टाइमर का फाइल कहाँ पे है, T4 पे, सो T4:0। हमने देखा था एक होता है हमारा डाटा फाइल्स में क्या रहता है, इनपुट फाइल, इनपुट डाटा फाइल 16 बिट का, उसके बाद हमने देखा था आउटपुट डाटा फाइल 16 बिट का, उसके बाद हमने देखा था बिट के लिए एक डाटा फाइल है, B0 से शुरू होता है ना, और चौथा फाइल जो है वो टाइमर के लिए है T4, तो B3, ये दोनों 0 0, क्लियर। तो T4:0 ये हो गया मेरा पहला टाइमर। पीएलसी में लिमिटेड टाइमर्स होते हैं, अलग अलग सीरीज के अलग अलग मॉडल के लिमिटेड टाइमर रहेंगे, उतना रहेगा जितना आपका पीएलसी का कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो सफिशियंटली, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइमर को सेट कैसे करना है, ये हो गया, पहले आपने यहाँ पे इसका नाम देना है कि कौन सा टाइमर यूज कर रहे हो, T4:0, T4:1, T4:2, ठीक है।
टाइमर। उसके बाद एक टर्म आता है टाइमर बेस, टाइमर बेस, तो बेस सिलेक्ट करना पड़ता है। बेस जो होता है ना टाइमर का, वो बेस 1.1.01, तो तीन टाइप के बेस होते हैं, तो हम पकड़ लेते हैं 0.01, 0.1 या फिर 1। ये हो गया टाइमर का बेस, हो गया मतलब रिजोल्यूशन कि कितने 0.01, 0.02, 0.02 इस तरीके से काउंट करेगा कि 0.1, 0.2, 0.3 से काउंट करेगा, या फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड से काम करेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है प्रीसेट। यहाँ पे आपको प्रीसेट का आपके हिसाब से आपको कितना टाइम डिले चाहिए उतना डालते हो। पकड़ लो मैंने बेस सिलेक्ट कर लिया 1, और मैंने यहाँ पे प्रीसेट में दिया 20, मतलब ये कितना सेकंड का डिले दिखाएगा, 20 सेकंड का डिले होता है। डिले इक्वल टू टाइमर बेस इंटू प्रीसेट, डिले इज इक्वल टू टाइमर बेस इंटू प्रीसेट, ठीक है। और एक तो रहता है एक्यूमुलेटर, यहाँ पे वो वैल्यू जो होगा टाइमर जब चल रहा है वो वैल्यू यहाँ पे जमा होता रहेगा, वैल्यूज यहाँ पे जमा होता रहेगा एक्यूमुलेटर, ठीक है। अभी हमने टाइमर को सेट किया, देखो इसका डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, ठीक है, उसको एक बार देखना, वहां पे पूरा लॉजिकली बताया हुआ है सारा चीज। मैं ये आज जो कर रहा हूँ थोड़ा सा ओवरऑल कवरेज देने के लिए कर रहा हूँ। तो ये हो गया टाइमर बेस 1, प्रीसेट 20, एक्यूमुलेटर पे जमा होगा कितना वैल्यूज चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 20 तक आएगा, फिर से 0 हो जाएगा, फिर से आएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर में 1, फिर 1+1, 1+1+1, इस तरीके से एक्यूमुलेशन होता रहेगा। समझ में आ रहा है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? करंट वैल्यू को स्टोर करके रखता है एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो स्टोर, इट स्टोर्स करंट वैल्यू कि अभी कितना वैल्यू चल रहा है। पकड़ लो 1 से शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सेकंड में 5 होगा, 6 सेकंड में यहाँ पे 6 आएगा, एक्यूमुलेटर का वैल्यू चेंज होगा। इसका आउटपुट क्या निकलेगा? तो टाइमर के आउटपुट पे 2 बिट मिलेंगे मुझको, एक होगा EN बिट और एक होगा DN बिट। क्या मिलेगा? EN बिट एंड DN बिट, इन दोनों को मैं यूज कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम पे। और तीसरा एक बिट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो एक्यूमुलेटर का वैल्यू को दर्शाता है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू को देता है, जिसको बोलते हैं TT बिट एलन ब्रेडली में। जो TT मतलब टाइमर टाइमिंग, टाइमर में कितना टाइमिंग चल रहा है वो दिखाता है। TT बिट मतलब टाइमर टाइमिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टीटी बिट। सो बेसिकली मुझको कितना आउटपुट बिट कितना मिल रहा है, 3, एक होता है TT, एक होता है EN, एक होता है DN। अब इनका फंक्शन को समझते हैं। द मोमेंट टाइमर के लेफ्ट साइड का लॉजिक ट्रू होगा, मतलब करंट आएगा, जैसे कि ट्रू होने का मतलब क्या है, ये क्या है, चेक फॉर 1, तो यहाँ पे 1 आए, I1 का वैल्यू 1 हो, चेक फॉर 0 मतलब I2 का वैल्यू 0 हो, तब जाके टाइमर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। टाइमर के ऑन होते ही, अगर ये ऑन डिले टाइमर है, ऑन डिले टाइमर है, तो ऑन होते ही मेरा EN बिट जो है वो 1 हो जाएगा, साथ ही TT बिट भी 1 हो जाएगा। द मोमेंट EN, ये टाइमर लेफ्ट साइड में वैल्यूज आया,
एनेबल बिट ऑन हो गया, मतलब हमको पता चल गया कि भाई टाइमर मेरा ऑन हो गया है। अब ये काउंट कर रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर पे काउंटिंग शुरू हो गया। काउंटिंग किसके बेसिस पे हो रहा है? बेस के बेसिस पे हो रहा है, एक्यूमुलेटर पे बेस के बेसिस पे। पकड़ लो आपने वन सिलेक्ट किया है तो 20 सेकेंड का डिले दिखाएगा, है ना? 20 सेकेंड का डिले है। वहीं पे अगर मैं बेस वन की जगह पे 0.1 ले लेता तो सेम 20 सेकेंड के डिले के लिए प्रीसेट मेरे को 200 देना पड़ता। तो ये काउंट कैसे करता टाइमिंग? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, समझ में आ रहा है? तो डिले सेम 20 सेकेंड किया रहा है। अब क्या है कि जैसे हमारा ये ऑन हो गया तो एन बिट हो गया वन और टाइमर टाइमिंग हो गया वन। एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर में प्रोसेस कर रहा है ना, एक्यूमुलेटर का वैल्यू नहीं दिखाया। यहाँ पे तो डिजिटल वैल्यू वन और जीरो ही दिखाएगा। एक्यूमुलेटर में तो एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ वन ही दिखा रहा है। जब तक एक्यूमुलेटर में वैल्यू जा रहा है तो टीटी बिट वन रहेगा। नहीं, वो दिखा नहीं रहा है। आउटपुट, आउटपुट तो हम यूज करेंगे ना। ये हमने अभी टाइमर को ट्रिगर किया है। टाइमर को ट्रिगर करने से ईएन बिट वन हो गया, टीटी बिट वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, ये जगह सही रहेगा, पकड़ लो। पकड़ लो ये मेरा प्रीसेट है, ठीक है, ये आपका एनेबल है। तो जैसे लॉजिक आपका ट्रू होगा पहले ही क्या हो जाएगा, पहले पकड़ लो 0000 चल रहा है, और जैसे लॉजिक आपका ट्रू हुआ द मोमेंट, तो ये एन आपका वन हो गया। ये पकड़ लो आपका एक्यूमुलेटर है, ये आपका टीटी बिट है एंड दिस इज योर डीएन बिट। ठीक है, तो जैसे ही आपका क्या हुआ, एनेबल हुआ, तो ये तो वन हुआ। एनेबल के साथ ही टीटी बिट जो है वो भी वन हो जाएगा। ठीक है, एकुमुलेटर पे क्या होगा, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे जाके एक्यूमुलेटर प्रीसेट को टच कर लिया, मतलब 200 प्रीसेट दिया है तो एक्यूमुलेटर में 200 वैल्यूज आ गए, तो उसी मोमेंट पे क्या होगा, टीटी बिट जो है और डन बिट जो है, एम आई क्लियर? तो जहां पे आपका एक्यूमुलेटर और प्रीसेट मैच हो गया, वहां पे टीटी बिट जीरो हो गया, डन बिट वन हो गया। अब ये एनेबल चल रहा है, चल रहा है, जहां तक चलेगा एनेबल रहेगा। ये सिग्नल जब तक हाई रहेगा एनेबल रहेगा, एनेबल जब तक रहेगा तब तक मेरा डन बिट वन ही रहेगा। समझ में आया? अब क्या हुआ, यहाँ पे जाके आपका एनेबल लो हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ फॉल्स हो गया, आई टू प्रेस कर दिया आपने। तो एनेबल आर यू डीएन टू? नहीं, पहले तो सिर्फ एनेबल था ना, अभी जब आपका काउंटिंग हो गया, आपने प्रीसेट दिया 220, मतलब 20 सेकंड का डिले हो गया। 20 सेकंड के डिले के बाद अभी आपका डन बिट वन है और एनेबल भी वन है। अभी क्या है, टीटी बिट हो गया 0, डन बिट हो गया 1, ये दोनों 1 1 है। ये एक बिट है सिर्फ, डन है, मतलब आपका ये समझ में आ रहा है कि भाई प्रीसेट और एक्यूमुलेटर, इतना डिले टाइम हो गया है, इतना डिले हो गया है, 20 सेकंड का डिले था, 20 सेकंड हो गया, 21 सेकंड चल रहा है, तो डन बिट आ गया आपका। अब क्या है कि एनेबल जब 0 होगा तो मेरा डन बिट जो है
वो भी फिर से जीरो हो जाएगा, अब जीरो जीरो, तो ई एन भी जीरो, डन भी जीरो। अभी पकड़ लो, फिर से थोड़ा देर बाद मैंने फिर से एनेबल किया। एनेबल करने का मतलब इसके बैक साइड में जितना भी लॉजिक लिखे हो वो सारा ट्रू हो गया है। तो ट्रू हो गया तो टाइमर का एनेबल फिर से हाई हो गया। अब टाइमर का एनेबल हाई होने के साथ साथ क्या होता है, एक्यूमुलेटर काउंटडाउन शुरू कर देगा और टीटी बिट हाई हो जाएगा, डन बिट आपका जीरो ही रहेगा। फिर ये एनेबल यहाँ पे जाके ना यहाँ पे ही स्टॉप हो गया, थोड़ा देर के लिए आया चला गया। अब क्या हो गया, एक्यूमुलेटर तो प्रीसेट तक पहुंच नहीं पाया, उससे पहले ही एनेबल लो हो गया। तो एनेबल जैसे लो हो जाएगा आपका टीटी बिट जो है वो भी लो हो जाएगा, डन बिट आया ही नहीं। ठीक है, अब इन बिट्स का मैं यूज कर सकता हूँ अपने लॉजिक पे। बिट्स को हम लोग यूज करेंगे लॉजिक पे, जैसे आपका स्टार डेल्टा टाइमर सर्किट में आपने यूज किया था टी ऑन इलेक्ट्रिकली, तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मेरे को यूज करना है, पकड़ लो मैं डन बिट को यूज करना चाहता हूँ कि 20 सेकेंड के बाद I1 को प्रेस करने का, कहाँ गया बेटा I1, I1 को प्रेस, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के 20 सेकंड के बाद मेरे को आउटपुट 1 चाहिए, ये लॉजिक बनाना है मेरे को। सो I1 को हमने प्रेस किया, करते ही टाइमर ऑन हो गया और उसके 20 सेकंड के बाद मुझको चाहिए आउटपुट। तो 20 सेकंड के बाद मतलब ये हो गया मेरा एक चेक फॉर 1, और इसमें मैं ले रहा हूँ T4:0 का डन बिट। मैं कैसे लिखूंगा, T4:0/DN और दे दूंगा आउटपुट। ये क्या समझेगा पीएलसी कि ये डन बिट अगर आएगा 1 होगा तब जाके मेरा आउटपुट आना है। समझ में आया, मैं और भी लिख सकता हूँ कि भाई T4:0 का टीटी बिट तो O2, मतलब जब तक मेरा टीटी बिट रहेगा मेरा O2 चलता रहेगा, टीटी बिट बंद O2 बंद तो O1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, तो ये O2 जो है वो 20 सेकंड के लिए ही जलेगा। जैसे आपने I1 प्रेस किया, I1 से 20 सेकंड तक ही आपका O2 जलेगा, और 20 सेकंड 21 सेकंड से 20 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, O1 जल जाएगा O2 बंद हो जाएगा। ये होता है ऑन डिले टाइमर का फंक्शन। प्रियंका को समझ में नहीं आया, जैसे ही फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑन डिले टाइमर जैसे ही आपका टाइमर ट्रिगर होगा, टाइमर ट्रिगर तो समझ में आया कि आप लॉजिक कुछ भी दे सकते हो, I1 I2 कुछ भी, आप किसी एक कोई भी टाइप का सेंसर से आप कनेक्शन ले लो, सिग्नल ले लो। जैसे वो सिग्नल आया हमने क्या किया, टीटी बिट टाइमर को एनेबल किया। टाइमर एनेबल होने के साथ साथ क्या होगा, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब ये काउंट कर रहा है, एक्यूमुलेटर पे आके जमा हो रहा है I1 1 2 3 4 करके 20 सेकेंड तक। जैसे ही ये ऑन हुआ मेरा ई एन बिट और टी टी बिट 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे ई एन बिट से भी मैं कुछ लाइट चला सकता हूँ या फिर कोई भी काम कर सकता हूँ अगर जरूरत है मेरे को। T4 लिखने का तरीका ये है, T4:0/EN। सेम नहीं कैसे हो, सेम होगा। ही हाँ तो टीटी तो 0 हो जाएगा जैसे ही आपका ये रहेगा और टाइमर सेट हो जाएगा, तो ईएन तो चलता रहेगा। ईएन डिपेंड करेगा आपका इनपुट पे, ईएन डिपेंड करेगा इनपुट पे, टीटी डिपेंड करेगा कितना टाइम है उस पे, और टीटी के बंद होने के बाद मतलब टाइम डिले के बाद शुरू होगा डीएन बिट, और डीएन बिट तब तक चलेगा जब तक आपका ईएन बिट है। समझ में आया, और इन तीनों को हम लोग अपने हिसाब से हमारा प्रोग्राम में जो भी जरूरत पड़े जैसा जरूरत पड़े हम लोग यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई अलीना, बुझी पाया था, नाले पूरा हो जाए दिमाग पाया ले।
में नहीं आएगा तो हम बोले ना, लोग हमारा असली रूप देखा नहीं है, राक्षस है, राक्षस ऐसे खा जाएंगे। तो अभी बहुत नरम पेश आते हैं, मार पड़ जाएगी, समझ में आ रहा है। देखो चीजें इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को लगता है, बहुत सारी बातें और है, बहुत सारी बातें, बहुत फास्ट है चीजें, ठीक है। सिखाने को मेरे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, मैं एक दिन में पूरा का पूरा सारा लेक्चर दे सकता हूँ, आपका दिमाग होल्ड नहीं कर पाएगा, क्या फायदा होगा। दूसरा है कि मैं एवरीडे थोड़ा 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 करके लेके जा रहा हूँ, उसको भी अगर आप रिटेन नहीं कर पाओगे तो इसका कोई फायदा आपको मिलने वाला है नहीं। तो रिटेंशन जरूरी है, इसीलिए वो ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, नहीं तो वो सारा तो वीडियोस में है ही, और बेटर एनिमेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस में, देखना जाके, आज जाके टाइमर वाला वीडियो देखना, एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई भी अंधा समझ जाएगा क्या है। हो गया, हो गए। हाँ हाँ अब देखते हैं टी ऑफ क्या होगा, ये तो हो गए ऑन डिले टाइमर, अब आते हैं ऑफ डिले टाइमर पे, की ऑफ, ठीक। टी ऑफ में भी बिट्स सेम है, फंक्शन अलग है। क्या फंक्शन है? जैसे ही आपका एनेबल सिग्नल आएगा, जैसे ही आपका लॉजिक ट्रू हो गया, एनेबल सिग्नल आ गया आपका, एनेबल सिग्नल के साथ डन बिट ऑन हो जाएगा। ऑफ डिले में क्या हो जाएगा? जैसे ही एनेबल सिग्नल आया उसके साथ टीटी बिट ऑन नहीं होगा, टीटी बिट जीरो ही रहेगा, डन बिट ऑन हो जाएगा, ठीक। अब डन बिट जो है वो ऑन हो गया, ईएन बिट ऑन हो गया, और जहां पे जाके ना ईएन बिट स्टॉप हुआ, मतलब आपका लॉजिक फेल हो गया, वहां से आपका टीटी बिट ऑन होगा। टीटी बिट के साथ यहां से जैसे ही ये स्टॉप होगा, ऑफ डिले है ना, ऑफ के बाद डिले, जहां पे एनेबल ऑफ हुआ वहां से आपका टाइमर जो है वो टाइमर काउंटिंग शुरू करेगा। समझ में आ रहा है? ऑफ डिले में क्या हो रहा है? जैसे ही एनेबल हुआ, टाइमर एनेबल हुआ, उसी के साथ आपका डन बिट आ गया, डन बिट आ गया, टीटी बिट जीरो है। जब चलते 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 एक टाइम पे जाके क्या हुआ, एनेबल लो हो गया, जहां पे लो हुआ वहां से एक्यूमुलेटर काउंटिंग शुरू किया, प्रीसेट को जहां पे रीच किया उस पॉइंट तक टीटी बिट और डन बिट दोनों ही ऑन रहेगा और एक साथ जीरो होगा। सो डन बिट जो है वो एनेबल के साथ आएगा, और एनेबल लो होने के बाद
जितना टाइम डिले रखे हो उतना डिले तक एनेबल रहेगा, डन रहेगा, और टीटी बिट सिर्फ उस टाइमिंग के दौरान ही वन रहेगा। तो टीटी बिट हमेशा, चाहे वो ऑन डिले टाइमर है या ऑफ डिले टाइमर है, दोनों ही केस में टीटी क्या दिखा रहा है, टाइमर टाइमिंग, जितना टाइम काउंट करता है, मतलब 20 सेकंड का डिले है तो 20 सेकंड तक ही वन रहेगा, चाहे वो टी ऑन पे एनेबल के साथ आ रहा है और टी ऑफ के एनेबल 0 होने के बाद आ रहा है। डन बिट जो है टी ऑन पे एनेबल, टीटी बिट मतलब टाइम इलाप्स होने के बाद आ रहा है और टी ऑफ पे एनेबल के साथ आ रहा है। और डन बिट कब ऑफ हो रहा है टी ऑफ में, जब मेरा टाइमिंग कंप्लीट हो जा रहा है, और टाइमिंग काउंट शुरू होगा जब आपका एनेबल 0 होगा तब से। समझ में आया? पकड़ लो, ये एक प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर को ऑन करेंगे, उसको ऑफ करेंगे, ऑन करने के साथ साथ इसका जो एग्जॉस्ट फैन है वो ऑन हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है ना उसके अंदर, लैंप लैंप ज्यादा गर्म हो जाएगा, अंदर में हीट होगा तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा लैंप, तो उसका प्रोटेक्शन चाहिए भाई मेरे को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। सीपीयू है, जैसे ही चालू होता है एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाता है। आपके घर में इंडक्शन, अगर वो स्टोव है तो देखोगे इंडक्शन, जैसे जहां पे हीट ज्यादा होता है हम क्या करते हैं, चालू करने के साथ साथ फैन उसका ऑन होता है, और ऑफ होने के बाद कुछ देर तक फैन चलता रहता है। इंडक्शन में कभी देखे हो, इंडक्शन का स्टोव है घर पे, इंडक्शन नहीं है तो उसमें काफी देर तक फैन जो है ऑफ होने के बाद घूमता रहता है, तो वहां पे आप ऑन डिले टाइमर नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते, कि ऑन तो हम कर दिए, ऑन करने के बाद कितना देर तक चलेगा उसका कोई ठिकाना है क्या? मैंने अभी प्रोजेक्टर ऑन कर दिया, मैं 1 घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ, 2 घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ, 5 घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ, जब तक है तब तक तो फैन चलेगा ही चलेगा, लेकिन जब मैं बंद करूं उसके बाद और 1 मिनट तक ये फैन चले। जब प्रोजेक्टर बंद हो जाए, ऑफ हो, उसके बाद 1 मिनट तक एग्जॉस्ट फैन घूमता रहे, हीट को निकाल दे, है ना? तो वहां पे किस टाइप का चाहिए मुझको, ऑफ डिले टाइमर, कि जब हम एनेबल को ऑफ करेंगे तब आपका टीटी बीट ऑन होगा और टाइमिंग टाइमर काउंटिंग शुरू करेगा, और उसके इतना सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो 3 टाइप के टाइमर होते हैं, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर एंड रिटेंटिव टाइमर, RTO। रिटेंटिव टाइमर क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या होता है, जैसे ही बंद हुआ, एनेबल बंद हुआ, तो ये 0 हो जाता है ना, फिर से ये फिर से 0 से काउंट शुरू करता है। रिटेंटिव में वो रिटेन करता है वैल्यू, रिटेंटिव में वैल्यू रिटेन करेगा और वहीं से शुरू करेगा काउंटिंग। एक्यूमुलेटर 0 नहीं होगा, एक्यूमुलेटर को 0 करना पड़ेगा, तो वो रिटेन करता है, टाइमर क्या करता है, इट रिटेन्स द टाइमर वैल्यू। हाँ, तो वो रिटेन करेगा टाइमर का वैल्यू। अभी हम तब यहाँ पे प्रीसेट जो है वो ज्यादा बढ़ा के देंगे, पकड़ लो वो कहाँ पे यूज होता है, कब यूज करता है, रनिंग आवर मीटर में, रनिंग ओवर, रनिंग ओवर मतलब पकड़ लो आपके पास कंप्रेशर है, एयर कंप्रेशर लेते हैं, तो एयर कंप्रेशर का से अगर 100 आवर्स रनिंग के बाद मेरे को मेंटेनेंस करना है, 100 आवर्स अगर रनिंग हो जाए उसके बाद क्या करना है मुझको, कुछ एक मेंटेनेंस करना है उस मशीन का, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, RTO यूज करेंगे, कि वो कितना घंटा चल रहा है, आज 2 घंटा चला, कल 4 घंटा चला, परसों 5 घंटा चला, 10 घंटा चला, एक साथ 24 घंटा चला, तो वो सारे एक्यूमुलेट होना पड़ेगा ना एक जगह पे, कि 100 आवर्स आएगा तब जाके मुझको एक अलार्म चाहिए कि भाई इट इज अ टाइम फॉर मेंटेनेंस। उस टाइप के जब फंक्शनिंग हम यूज करते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं, RTO यूज करते हैं। RTO का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सेम आपका ऑन डिले टाइमर के जैसा ही रहता है, सेम प्रॉपर्टीज है।
सेम ऑन डिले टाइमर की तरह ही काम करेगा, सिर्फ क्या है कि आप प्रीसेट जो है वो हाई वैल्यू पे रखोगे। तो एक्यूमुलेटर जो है ना, यहाँ पे पकड़ लो, मैंने यहाँ पे वन सिलेक्ट किया और यहाँ पे से 2000 सेकंड या फिर 20,000 सेकंड सिलेक्ट करके रख दिया, तो 20,000 सेकंड तक चलेगा एक्यूमुलेटर में। ये 20,000 जब आएगा तब जाके ये डन बिट आएगा। सेम पियोन का जो प्रॉपर्टी है सेम टू सेम प्रॉपर्टी होगा। डन बिट कब आएगा? जब 20,000 हो जाएगा। लेकिन इसको रिसेट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑटो रिसेट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे इसको रिसेट करने के लिए हमको एक इंस्ट्रक्शन डालना पड़ता है कि पकड़ लो एक स्विच, हार्ड स्विच लगा दो रिसेट का, और इस स्विच को प्रेस करने से RES, ये कमांड है। क्या है? RES, ठीक है, रिसेट। सो रिसेट किसको करेंगे? इसका एड्रेस दे देंगे T4:0। तो अगर ये एनेबल हुआ तो मेरा टाइमर जो है वो रिसेट हो जाएगा, वो फिर से जीरो हो जाएगा। पकड़ लो आपने 10 घंटे, 100 घंटे का टाइमिंग रखा था, 100 आवर्स रनिंग के बाद मेरे को कंप्रेशर मेंटेनेंस पे लेना है, लेकिन किसी कारण से आपने बीच में ही मेंटेनेंस कर दिया, तो फिर से तो वो जीरो से शुरू होना पड़ेगा क्योंकि आज तो आपने मेंटेनेंस कर लिया है, अर्ली स्टेज में कर लिया है। तो फिर से जो शुरू करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसको एक्यूमुलेटर को जीरो से करना है, तो जीरो करने के लिए क्या कमांड यूज कर रहे हैं? RES, रिसेट कमांड। क्लियर? इस चीज को बढ़िया से समझ में आएगा आप लोग जाके वो टाइमर का और एनकाउंटर उसका वीडियो को देखना एक बार तो समझ में आएगा। ठीक है, शाम को देखता हूँ, मैं बताऊंगा, अगर होता है तो ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, शाम को होगा आपको ऑनलाइन, अगर क्लास टाइमिंग मिल जाता है तो मैं ले सकता हूँ एक साथ ज़्यादा। देखो मेन ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि इंटरव्यू, टेलीफोनिक जो इंटरव्यू होगा वो तो मैंने अभी तक तुम लोगों का नंबर नहीं दिया है, मैं दूंगा वो लोग कॉल करेगा, उससे पहले तैयार होना है। अनप्रिपेयर्ड कॉल आ गया और फिर सोच रहे हैं हाँ क्या हो गया और फिर वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट जब कॉल करे तो प्रोफेशनली बात करो, ठीक है, एंड सबसे पहला एक एक सवाल का प्रिपरेशन सबको करना चाहिए, लिख के करना चाहिए और बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या सवाल है? कि ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी इंटरव्यू पे, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम इंटरव्यू हो, वाइवा वॉयस हो, या फिर प्राइवेट इंटरव्यू हो, कहीं पे भी जाते हैं तो फिर पहला सवाल जो होता है इंटरव्यूअर का वो होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अभी ये जो सवाल है वो सबको पता है कि मुझको अपने बारे में बताना है, और उसका तैयारी नहीं होता है, उसका प्रिपरेशन नहीं करते हैं। अब बोलो क्या सर, इसका क्या प्रिपरेशन करना है? उसका प्रिपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कॉन्साइजली विद इन ए मिनट आपके बारे में पूरा का पूरा बात बताओगे, और वो सारी बातें जो उसको जानना है वो सारी बातें उसको बता के आप फिर से पूछोगे, इज दिस मच ओके विथ यू और आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग मोर? यू वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट स्पेसिफिक समथिंग। अभी आप अपना जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ वो UKG से लिखाते हैं कि 5 लाइन बताओ अपने बारे में, है ना?
सो वहां पे आपको बोलना है कि आई एम अमुक एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन दिस और डिप्लोमा इन दिस सब्जेक्ट फ्रॉम दिस कॉलेज विथ ए परसेंटेज ऑफ ऑटो, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ दिस कंपनी एंड सो सो एंड सो आई एम हैविंग दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस काइंड ऑफ फील्ड्स, रिलेवेंट हो इरिलेवेंट हो बताना है कि मैंने इतना इतना काम किया है, ये किया है, वो किया है, वो सारी बातें। और फिर अपने पर्सनल डिटेल्स भी थोड़ा सा बताना है कि आई बिलोंग टू दिस काइंड ऑफ फैमिलीज और माय फादर्स नेम इज दिस, ही इज दिस, आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, इज दैट इट। सो एक इलाबोरेटेड छोटा सा वो लिखा होना चाहिए, जितना बार लिखोगे और उसको कॉन्साइज करके अपने आप को कितना बेहतरीन तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो वो देखो, लिख के देखो और मिरर के सामने उसको प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है। मिरर के सामने बैठ के अकेले में उसको प्रैक्टिस करो कि आप जब इंटरव्यू पे जाके बैठोगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या हो रहा है, अपने आप को खुद जांच करो, देखोगे बहुत सारी कमियां निकलेंगी। समझ में आ रहा है? बहुत जरूरी है कि मैं कैसे बैठ रहा हूँ, मेरा ड्रेसिंग क्या है और मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही ढंग से पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। हमको तो अभी तक उतना टाइम नहीं मिला कि हम लोग मॉक का शुरू करें या फिर आप लोगों का इंटरव्यू का तैयारी शुरू करें, वो सब हुआ ही नहीं अभी तक। लेकिन वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बोल रहा हूँ मन में सब लोग। पता है मैं जब, मेरा सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ। सुना है कभी मेरा गाना? नहीं सुना है? यूट्यूब में मेरा पूरा रील चलता है तो वायरल हो जाता है। मन में होता है, आवाज निकलेगी तो प्रॉब्लम है। तो मन में ना सब लोग बहुत अच्छे गाना गा सकते हैं, जैसे निकलेगा आवाज तो पता चलता है। मन ही मन में मैं ऐसे कर दूं शाहरुख खान जैसा लग रहा हूं, वो तो जब मैं आईना देखता हूं तो लगता है कि यार कितना बद्दा दिख रहा है, होता है कि नहीं होता है? तो अपने मन से आपको लगेगा कि चलो कवर कर लेंगे, हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा, वहां पे जाके कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, वहां पे होने का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे अगर होता है, अगर लोगों के बीच में होता है, दोस्तों के बीच में होता है, कहीं पे भी अगर खड़े होके आप कुछ बोल सकते हो, अपना ओपिनियन जो भी है उसको अगर बढ़िया से रख सकते हो तो आप कहीं पे भी रख सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं रख सकते तो कहीं पे नहीं रख सकते हो, हकलाओगे जाके, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। बहुत जरूरी है कि आपका जो माइंडसेट है, जो सोच है, उसको बहुत ही धीमा और एक ही सुर में उसको रखना। ऐसा नहीं है कि आवाज कभी लो जा रहा है, कभी हाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कब होता है? ये इसलिए नहीं कि आपको मेंटेन करना है, ये कब होता है? देखो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ, 1-1.5 घंटा हो गया होगा, तो बोल रहा हूँ तो बोल ही रहा हूँ। अगर और 5 घंटे खड़ा कर दो, मैं और 5 घंटे बोलूंगा, खत्म नहीं होगी टॉपिक। मैं इतना सारा टॉपिक, दूसरा टॉपिक शुरू कर दूं और ज्यादा बोलूंगा। और आवाज भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरा कभी बहुत हाई जा रहा है, कभी बहुत लो जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी बातें मेरे को पता है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मुझको पता है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो जितना मेरे को पता है। अगर वही चीज मुझको नहीं पता होती तो मुझको देखना पड़ता कहीं पे, और फिर कभी लो होता, कभी हाई होता। स्टेडी रहने का मतलब क्या है कि आप कॉन्फिडेंट हो इस मामले में। तो इंटरव्यू पे भी जब आप बात करोगे तो एंश्योर करो कि आप जो बोल रहे हो वो क्लियरली अगला बंदा सुन रहा है। ये कभी भी मत करना कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत तो बोल दिया और थोड़ा बहुत मन में रख लेता हूँ और वो बंदा समझ जाएगा कि मेरे को कुछ पता है, बहुत कुछ पता है। ऐसा नहीं होने वाला है। ये गलती बहुत लोग करते हैं। हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करो, जो भी है खुल के बात करो, पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, कि कर सकते हैं, अभी मैं ये पर्टिकुलर चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी ये जो पूछेगा वो सीमेंस के ऊपर पूछेगा डेफिनेटली। मैं सीमेंस का
इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक तो क्लास सीमेंस का होना चाहिए था इसी बीच पे, बट बहुत सारी चीजें और भी बाकी है कि सीमेंस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? साइमेटिक, साइमेटिक SIMATIC, साइमेटिक। SIMATIC साइमेटिक। तो पकड़ लो S7 1200 को अगर करना है तो साइमेटिक S7 सॉफ्टवेयर मुझको चाहिए। और एक सॉफ्टवेयर आता है इसका TIA पोर्टल। सीमेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। साइमेटिक S7 या फिर TIA पोर्टल। जैसे RS लॉजिक 5000 है, 5000 के जगह पे TIA पोर्टल पकड़ लो। ये सीमेंस कंपनी का जो PLCs है उसको प्रोग्राम करने के लिए, बड़ा PLC होता है तो उसमें प्रोग्राम करने के लिए TIA पोर्टल चाहिए। छोटा PLC है उसमें साइमेटिक S7 सपोर्ट करता है। ठीक है, ठीक अब इसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कुछ बातें आएंगी साइमेटिक में और काफी हटके है, जिस जो हमारा एलन ब्रेडली का जो प्रोग्रामिंग करते हैं उससे थोड़ा सा हटके प्रोग्रामिंग होता है और उसको देखना पड़ेगा आप लोगों को। कराने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। व्हाट इज अ निबल? निबल क्या होता है? बोल रहे तुम्हारा पार्ट है निबल। 4 बिट इज कॉल्ड निबल, 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। व्हाट इज ए वर्ड? टू बाइट और 16 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट। वर्ड सॉरी, बिट एड्रेस जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? 0 0 से शुरू होता है। तो पहले साइमेटिक S5 चलता था, उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट हो गया है साइमेटिक S7। ठीक है, एंड और साइमेटिक S7 का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो मिक्स्ड है और इसको Step 7 बोला जाता है। Step 7, Step 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज Step 7 ये यूज होता है।
दिस इज ऑल्सो योर आईसी एज पर योर आईसी 1131 आई थिंक आईसी स्टैंडर्ड 1131 के तहत स्टेप 7 डेवलप किया गया। ग्राफिकल लैंग्वेज है, इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर टैग असाइन करते हैं। ये डायरेक्ट उस तरीके का नहीं है, सीमेंस का प्रोग्रामिंग मैंने बोला ना, वो लेडर जो हम लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के आएगा, लॉजिकली सेम रहेगा चीजें। देखो ऑटोमेशन इटसेल्फ इज ए वास्ट, मींस बहुत वास्ट है, उसमें ब्रांड बहुत ज्यादा है, अलग अलग ब्रांड के स्पेसिफिकेशंस अलग अलग होते हैं। जो बंदा सीमेंस में काम कर रहा है और मास्टरपीस है, उसको अगर आप डेल्टा का पीएलसी दे दो तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। जो डेल्टा में मास्टरपीस है वो सीमेंस को हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैंडल नहीं कर पाएगा, सॉरी ये गलत होगा, हैंडल नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है कि देने से ही वो कर लेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? इसको मैनुअल को खोलना है, सिंटेक्स को समझना है, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके लिखने का तरीका। अभी जैसे हमने टाइमर को पढ़ा, ऑन डिले ऑफ डिले, वहां पे भी सेम होगा, सिर्फ लिखने का तरीका जो है वो अलग होगा, सिंटेक्स अलग होंगे। थोड़ा सा देखोगे तो समझ जाओगे, अच्छा ठीक है ये कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो अगर अभी आप फेस करते हो और अगर आपसे कोई पूछता है कि सीमेंस का प्रोग्रामिंग आता है कि नहीं आता है, तो उसको खुला बोलो कि सर अभी तक सीमेंस का प्रोग्रामिंग मैंने देखा नहीं है, किया नहीं है, बट उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लॉजिकली आई एम कॉम्पिटेंट, और थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपका स्टेप 7 प्रोग्रामिंग होता है, साइमेटिक S7 में प्रोग्राम करते हैं, तो वो उसके साथ फेमिलियर नहीं हूँ, बट आई विल बी टेकिंग हार्डली 7 to 10 days एंड सारा चीज में निकाल सकता हूँ, आई एम कॉम्पिटेंट, ये बोल देना उसको कि डेफिनेटली पूछेगा कि सीमेंस का PLC क्या क्या होता है, पता है आपको सीमेंस के बारे में? तो बताना है कि सर अभी जो लेटेस्ट मॉडल है सीमेंस S7 चल रहा है, S7 1200। हाँ देख लेना एक बार सीमेंस गूगल में जाके, थोड़ा सा खुद से भी रिसर्च करो सीमेंस के ऊपर, थोड़ा सा आइडिया बनाओ सीमेंस के PLC, सीमेंस मारोगे बहुत कुछ आएगा सीमेंस का, PLCs के ऊपर देखो, और फिर ये करो कि हाँ स्टेप 7 में तो सर अभी तक काम किया नहीं हूँ, बट आई आई विल बी टेकिंग हार्डली 7 to 10 days to learn this language, और क्योंकि मुझको बेसिक आइडिया है एलन ब्रेडली का PLC को मैं हैंडल कर सकता हूँ, उसको बोल दो एलन ब्रेडली के PLC में मैंने काम किया है, मैं हैंडल कर सकता हूँ, माइक कौन से एलन ब्रेडली का कौन सा PLC हैंडल किया है, माइक्रोलॉजिक्स 1400 में हमने काम किया है, लॉजिक बिल्डअप किया है। और यहाँ पे और एक चीज जानना जरूरी है कि माइक्रोलॉजिक्स में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, RS Logix 500। RS Logix 500 ये प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर के साथ क्या करना पड़ेगा, PLC को कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करने के लिए एक केबल चाहिए, तो RS Micrologix 1400 जो है वो इथरनेट प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, तो इथरनेट कम्युनिकेशन मतलब TCP/IP प्रोटोकॉल, कौन सा आप प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल ये फॉलो करता है, तो इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इससे। लेकिन एलन ब्रेडली का कोई भी PLC हो, कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता है जिसको हम बोलते हैं RS Links। RS Links सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं होगा तो PLC और कंप्यूटर या फिर PLC के साथ HMI SCADA उसका कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। कम्युनिकेशन कराने के लिए चाहे वो कॉम्पैक्ट PLC है, चाहे वो मॉड्यूलर है, रैक टाइप है, RS Links रॉकवेल ऑटोमेशन का RS Link जरूरी होता है। कौन सा ब्रांड में, एलन ब्रेडली में।
हाँ, एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीएलसीज और बिटवीन कंप्यूटर एंड पीएलसी और बिटवीन एचएमआई एंड पीएलसी. व्हाट इज एचएमआई? एचएमआई मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग. ह्यूमन मशीन इंटरफेस. व्हाट इज स्काडा? बड़ी स्काडा. अरे यार, गया भैंस पानी. सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन. अभी तो ऐसा बिहेव मत कर. डीसीएस डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम. स्काडा मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन. ठीक है, ये क्या होता है? एचएमआई और स्काडा में क्या अंतर है? एचएमआई में और स्काडा में क्या अंतर है? ये कुछ इंजीनियरिंग डेफिनेशन हुआ. सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन. सुपरवाइजरी कंट्रोल. सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन. स्काडा, SCADA, स्काडा मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन. देखो, HMI मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग. आप जब ATM में जाते हो और जो स्क्रीन लगा हुआ है, टच स्क्रीन हो सकता है, बटन से हो सकता है, वो क्या है? HMI है, ह्यूमन एंड मशीन का इंटरफेसिंग. समझ में आया? तो पीएलसी जब होता है तो पीएलसी के साथ हम लोग एचएमआई कनेक्ट करते हैं. एचएमआई का लिमिटेशंस है, उसमें 2 लाइन HMI आएगा, 4 लाइन HMI आएगा, पैनल व्यू आएगा. एलन ब्रेडली का पैनल व्यू आता है जिसमें बहुत सारे डाटा हम देख सकते हैं एचएमआई में. ठीक है, पैनल व्यू बोल के एक तो आता है एचएमआई. स्काडा क्या है? स्काडा एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल करके कम्युनिकेट करा सकते हैं रियल टाइम डिवाइस के साथ. डायरेक्टली स्काडा भी कम्युनिकेट करा सकते हो या फिर थ्रू पीएलसी और डीसीएस करा सकते हो. ठीक है, तो स्काडा इज ए सॉफ्टवेयर जिसको हम इंस्टॉल करेंगे और पीएलसी के साथ या फिर डीसीएस के साथ कम्युनिकेट करा के पीएलसी में या डीसीएस में जितना सारा काम हो रहा है ना, वो सारे डेटा हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर पे रियल टाइम इंजीनियरिंग वैल्यूज देख सकते हैं. इंजीनियरिंग वैल्यूज स्क्रीन पे देख सकते हैं. हम ग्राफिकली डिजाइन कर सकते हैं चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकते हैं ग्राफिकली. कलर चेंज कर सकते हैं. स्टॉप हो गया तो लाल हो जाएगा, स्टार्ट हो गया तो ग्रीन हो जाएगा, अलार्म आया तो पॉप करेगा. एक स्क्रीन के ऊपर दूसरा स्क्रीन आ जाएगा, पॉप अप, इसको बोला जाता है पॉप अप. ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, हिस्ट्री व्यू देख सकते हैं. हिस्ट्री व्यू, हिस्ट्री मतलब पुराना जो रिकॉर्ड है, 6 महीना पहले क्या वैल्यू था, तो वो सारा डाटा स्कैडा में स्टोर होता है. अलार्म दे सकते हैं, अलार्म जनरेट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? वो सारा चीज हम लोग स्कैडा में कर सकते हैं. पीएलसी तो अपना काम करेगा, डीसीएस अपना काम करेगा, प्रोग्रामिंग आपको दोनों उसको कर दिए तो करेगा. तो वो डाटा एक्विजिशन कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर सुपरवाइजरी कंट्रोल करना है हमको. कि पीएलसी जो भी काम कर रहा है उसको हमको देखना है कि हमारे हिसाब से वो काम करे. हम स्टार्ट दे तब जाके पीएलसी स्टार्ट हो, वो मशीन स्टार्ट हो, तो वो किसके थ्रू देखेंगे?
पीएलसी तो देखा है तुम लोग, बक्सा है, उसके अंदर क्या चल रहा है कैसे पता, किसका वैल्यू कितना जा रहा है कैसे पता, वो काम तो कर रहा है, ओपन क्लोज ये वो सारा चीज, तो वो सारा चीज देखने के लिए और उसको कमांड देने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पूछेगा कि आप कौन से स्काडा में काम किए हो, देखा है कभी स्काडा, काम किए हो कि नहीं किए हो। तो एक स्काडा का नाम जो हम लोग करेंगे, अभी तक शुरू नहीं किया हम लोग करेंगे, कौन सा, ऑन स्पेक का स्काडा, ऑन स्पेक। ऑन स्पेक स्काडा के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली बात करो टेलीफोनिक पे, इतना कॉन्फिडेंस रहे कि सर हम हैंडल किए हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछता है कोई कि आपने कहाँ पे काम किया है, तो बोलो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो उसको बताओ कि हम ये काम किए हैं पहले, क्या क्या काम जानते हो, वो लिख के रखना क्या क्या काम जानते हो। तो इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग्स जो तुम लोग जानते हो, अभी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, पैनल, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रैवल शूटिंग, ये सब लिख के रखो पॉइंट्स। क्या क्या बोलेंगे कि मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल हो या फिर पीएलसी कंट्रोल हो, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड पीएलसी कंट्रोल बोथ। फिर आपसे पूछेगा ही पूछेगा मोटर का प्रोटेक्शन बताओ, ओवरलोड रिले, स्टार्टर बताओ, डीओएल स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा होता है, सॉफ्ट स्टार्टर होता है, बीएफडी होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे कि हो सकता है कि ये पूछे कि स्टार में क्यों कनेक्ट करना है, डेल्टा में क्यों नहीं करना है, ये करना है, वो सारा लॉजिक आपको अभी पता है, क्यों क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, ड्रॉइंग्स कितने टाइप के होते हैं, एसएलडी क्या है, इसके ऊपर सवाल होता है कि सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब क्या है। तो थ्री फेज सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम से। वायरिंग डायग्राम, कि वायरिंग डायग्राम देख के पैनल को समझना, ये भी बहुत बड़ा काम है ना, कि कोई भी एक ड्राइंग आ जाए तो मैं ड्राइंग पढ़ सकता हूँ, ड्राइंग से मैं फॉल्ट फाइंडिंग कर सकता हूँ, तो बताओ उनको कि सर हम कर सकते हैं, कि ड्राइंग कोई भी टाइप का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से पैनल को कैसे हैंडल करना है वो आता है मुझको। ठीक है, पीएलसी के ऊपर काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम किए हैं, ये तो नहीं बोलूंगा कि एक्सपर्ट हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत काम जानता हूँ, और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मैं एक्सपर्ट भी बन जाऊंगा, आई एम वर्किंग ऑन दिस, जस्ट आई हैव स्टार्टेड। आज तक तुम ये बताओ धनजीत, बताओ कि मेरा फील्ड दूसरा था, लेकिन मैं अभी स्विच ओवर कर रहा हूँ, मैं इतना साल इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम किया है, अब मैं ऑटोमेशन या फिर इंडस्ट्रियल लाइन पे आना चाहता हूँ, है ना। तो तुम्हारा जो भी सेक्टर आया है, तुम टेलीकॉम से आया है, तो बताओ उनको कि मैं टेलीकॉम पे ही काम कर रहा था इतने सालों से। फिर पूछेगा कि व्हाई यू वांट टू स्विच ओवर आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप क्यों स्विच करना चाहते हो। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा तुम्हारा, ओके सपोज आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू, अब दिस क्वेश्चन विल अराइज इज नॉट इट, व्हेन एवर यू विल बी सेइंग ओके सर आई वाज आई डोंट से दैट आई वाज, आई एम वर्किंग इन टेलीकॉम सेक्टर, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 6 इयर्स ना, 6 इयर्स प्लस ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टेलीकॉम सेक्टर, बट आई वॉन्ट टू स्विच इन द ऑटोमेशन सेक्शन, ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल सेक्शन, तो व्हाई यू वांट टू स्विच। क्योंकि कोई भी बंदा जो प्रोफेशनल होता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, जब उसका बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद स्विच ओवर करने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ग्रोथ वहीं पे मिलेगा उसको, ये एक नया सेक्टर होगा तुम्हारे लिए, नए से शुरू करोगे। तो व्हाट विल बी योर आंसर, अब इतना सोचोगे उतने में तो वो फोन ही कर देगा। यू मस्ट बी वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी प्रॉम्प्ट। ठीक है,
बोलो क्या बोल रही है। ये नहीं है, क्या बोलने से अच्छा होगा क्या नहीं है, तुम क्या बोलोगे उस पर डिपेंड कर रहा है। काम किया मैं बताऊं, अगर मैं हो तुम्हारी जगह पे होता तो मैं क्या बोलता। सर आई वॉज वर्किंग इन टेलीकॉम सेक्टर फॉर द लास्ट 6 ईयर्स एंड देर इज ए वेरी गुड एक्सपोजर टू, बट आई वॉन्ट टू स्विच टू ऑटोमेशन सेक्शन एज पर माई इंटरेस्ट, और जितना ग्रोथ या फिर जो एक्सपोजर मुझको वहां पे मिल रहा है, जो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो उतना नहीं मिल पा रहा है टेलीकॉम में, तो इसी के कारण एक्सपोजर्स वहां पे काम का लिमिटेशन है, एक ही टाइप का काम को स्टीरियोटाइप वही चीज करना पड़ रहा है, उसमें वर्सेटाइलिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, नॉलेज का ग्रोथ नहीं है। तो जेनुइन लॉजिक है ना ये, कि मैं बना के झूठ बोल रहा हूँ, तुम क्यों छोड़ा है, क्योंकि वहां पे तुमको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। किस टाइप का ग्रोथ नहीं मिल रहा है, दोनों साइड से, टेक्निकली भी तुम्हारा ग्रो नहीं हो रहा है और फिनेंशियली भी तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मॉनिटरी ग्रोथ भी तो नहीं हो रहा है। अगर तुमको मॉनिटरी ग्रोथ मिलता तब भी तुम छोड़ के नहीं आता, डेफिनेटली पैसा अगर बहुत अच्छा मिल जाता तो नहीं आते, लेकिन ये बात नहीं बतानी चाहिए कि पैसों का ग्रोथ नहीं हो रहा था बहुत ज्यादा, तो ये इट डजंट साउंड मच गुड। लेकिन जो सच्चाई ये है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, किस बात का, टेक्निकल ग्रोथ नहीं हो रहा है मेरा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि टेलीकॉम का जो जॉब मैं कर रहा हूँ, सपोज तुम टावर मेंटेनेंस का जॉब कर रहा है, तो इट इज अ स्टीरियोटाइप जॉब, एक ही चीज है, यहाँ पे इनोवेशंस नहीं है, यहाँ पे मैं अपना एबिलिटी को लगाने का कुछ नहीं है, ये कोई भी एक टेक्नीशियन कर सकता है जाके। ऑटोमेशन क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशंस है, यहाँ पे मैं दिमाग लगा सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ, इसमें क्रिएटिविटी है, फॉल्ट फाइंडिंग है, ट्रबल शूटिंग है, तो एक चैलेंजिंग जॉब चाहिए होता है जिंदगी में। अगर चैलेंजिंग चीजें नहीं रहती है, स्टीरियोटाइप हो जाता है तो मोनोटोनस चलता रहता है, तो बहुत ज्यादा टाइम तक आदमी को अच्छा नहीं लगता है। तो इस टाइप से बात करो कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छा एक्सपोजर ढूंढ रहा हूँ इंडस्ट्रियल लाइन पे, इंडस्ट्री में घुसने का मौका नहीं मिल रहा था, और जब आप कहीं पे घुस जाते हो तो पता नहीं चलता है कि वक्त कैसे निकल जाता है, तो उसमें करते करते इतना साल हो गया, लेकिन मेरे को ये लगा अभी कि जो चीज मैं ढूंढ रहा था वो चीज नहीं हो पा रहा है, ये यही बात तुम्हारे लिए सच्चाई यही है कि यू वेयर सीकिंग फॉर सम गुड एक्सपोजर, जहां पे तुमको टेक्निकल काम सीखने को मिले। आज अगर तुम्हारा वो टावर डिजाइन का काम होता या फिर कुछ ऐसा होता कि तुम 5G का इनोवेशंस पे कुछ काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली छोड़ के नहीं आते, पैसा कम भी होता तब भी स्टिक करता कि नहीं चलो ग्रोथ है। तो जो सच्चाई है ना, उसको ढूंढ के निकालो अपने अंदर से कि एग्जैक्टली क्या है सच्चाई मेरा, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मुझको जिंदगी से क्या चाहिए। लोग आपको मतलब पॉजिटिव चीजों को ना एक लेयर बना के पेश करना चाहते हैं लोग, कि ये एक अपर कवर हो, अंदर में कुछ भी हो लेकिन ऊपर से एक कवर चढ़ा देते हैं, परत चढ़ाना, वो नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो मेरे इंटरनल अंदर से आए कि क्या ये सही है, अगर सही है तो ठीक है वही बोलूंगा, अगर नहीं है तो फिर बोलने का भी जरूरत नहीं, नहीं चाहिए भाई, देखा जाएगा फिर। समझ में आ रहा है, तुम लोगों के लिए ज्यादा प्रेफरेंस की बात यहाँ पे ये है कि उनको लोकल कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि हर कंपनी को चाहिए होता है कि भाई मेरा पैसा कम खर्चा हो, तो पैसा कम खर्चा होने का मतलब क्या है कि लोकल कैंडिडेट होगा उसका घर में उसको एक्स्ट्रा एचआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कम पैसों में सर्वाइव कर जाएगा, कंपनी का मकसद वो होता है। बाहर से कोई कैंडिडेट, बेहतरीन कैंडिडेट वो बुला सकता है, उसका पैसा भी ज्यादा लगेगा, फिर यहाँ पे रहने का खाने का उसका
अलग से लगेगा, तो उतना खर्चा करना नहीं जाएगा, इसीलिए चांसेस है इंटरव्यू में, समझ रहे हो। डिपेंड करता है कि तुम कितना कॉन्फिडेंटली बात करते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, बी पॉजिटिव, बी श्योर कि नहीं मुझको आता है। और जब तक तुम लोगों का पोस्टिंग होगा तब तक तुम लोग एक्सपर्ट बन चुके होगे, और उसके बाद भी तुम्हारा 3 महीने का ट्रेनिंग है वहां पे, फिर से लॉजिस्टिक्स एरिया में, डिपार्टमेंट में, कोलकाता में ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद आके ज्वाइन करोगे। सो यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तुम मेरे से बाद में बात करना कि तुमको क्या बोलना है, वो थोड़ा सा सोच के कुछ बनाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप ना। कितना साल का गैप हो गया? हाँ? यस सर, एमटेक। अच्छा, एमटेक का से ना, फिर भी कितना साल का गैप हो गया? एट इयर्स का गैप है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, क्या हो गया? नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, देखो रिलेवेंट नहीं है उसको। दो चीज होता है, एक होता है कि तुम टेक्निकल लाइन पे काम किया है ना, टेक्निकल लाइन पे ही काम किया है, ऐसा नहीं है कि तुम आउट ऑफ द बॉक्स था और फिर आके घुसने की कोशिश कर रहा था। सेक्टर अलग था, टेक्निकलिटी था, टेक्निकलिटी है, टेक्निकल चीजों को समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल चीजें नहीं समझ सकते हो। अगर हाँ क्लरिकल जॉब कर रहा था कहीं पे, पकड़ लो शॉपिंग मॉल का मैनेजर बन के बैठा था, कि कितना कपड़ा आया और कितना कपड़ा निकल गया उसका हिसाब कर रहा था, और अचानक से आके टेक्निकल पे आ रहे हैं, तो दिक्कत होता है। यू वेयर अ टेक्निकल पर्सन, यू आर स्विचिंग योर फील्ड, तो इस चीज को मैं बोलने से नहीं होगा ना, वो तुमको बताना है, अगले बंदे को तुमको बताना है कि सर आई एम ए टेक्निकल पर्सन, मेरा स्विचिंग का सिर्फ मकसद एक ही है कि जो एक्सपोजर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, वो काम करके मजा नहीं आ रहा है। तो नया नया काम हो, ऑटोमेशन हो, हम पीएलसी के साथ जुड़े, हम मशीन को कंट्रोल करें, फॉल्ट आए उसको ट्रबल शूट करें, तब ना जाके थोड़ा सा मजा आता है, उसमें ग्रोथ लेवल भी होता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए ग्रोथ लेवल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सोच रहना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए, निगोशिएटिंग एबिलिटी होना चाहिए आपने में, आदमी को निगोशिएट करना आना चाहिए, नहीं तो कम पैसों में जाओ बिकोगे। निगोशिएट कर पाओगे तो ज्यादा पैसों में बिकोगे, बेचना है अपने आप को, और क्या है बाजार में। अब तुम मार्केट से में जाओ सब्जी वाले के पास, और कितने का दिया है? 60 रुपया किलो है, 50 का लगाओ, 10 रुपया आप कम कर देते हो। लेने के बाद बोलोगे नहीं यार 50 रुपया रखो, बार्गेन भी नहीं किए, उसको बाद में जोर जबरदस्ती लेके चले आए। वही सेम चीज आप शॉपिंग मॉल पे जाओ, वो बोलेगा 80 रुपया है, आप देखोगे और बैग में भरोगे, वो टैंक करके मारेगा और आप लेके आ जाओगे, उसको नहीं बोलोगे कि 1 रुपया कम करो, बाहर में 60 का मिल रहा है तुम 80 क्यों ले रहे हो। रूल नॉट आस्क क्वेश्चन, सेम चीज बिक रहा है, टेक का डिफरेंस है, डिजाइन का डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बेचते हैं, यू आर सेलिंग योर सर्विस मीन्स यू आर सेलिंग योर सेल्फ, और इस दुनिया में हर कोई अपने आप को बेच रहा है, तो अपने आप को बेचने का भी आर्ट आना चाहिए कि कितना पैसों में मैं बिकूंगा, मेरा वैल्यू क्या है मार्केट पे। लोकल मुर्गी की ब्रॉयलर कितने पे बिकेगा भाई? 4 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, कोई ये 12 लाख लेगा। परसों नहीं बताया, एक ने बायोडाटा भेजा, कितना है उसका? 24 लाख मिल रहा है, 24 लाख पर एनम मिल रहा है सीटीसी। बंदा मेरे को वो ये फॉरवर्ड किया कि सर थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है तो देखिए ना, बोले इससे ज्यादा और क्या लेगा यार, 24 लाख रुपये, 2 लाख रुपये पर मंथ मिल रहा है तेरे। वो गल्फ जाना चाहता है अभी, कि यहाँ यहाँ पे नहीं हो रहा है, इंडिया में उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो वो गल्फ चला जाएगा, वहां पे जाएगा तब भी उसको घुमा फिरा के उतना ही मिलने वाला है। तो 2-3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया मिलता है लोगों को पर मंथ मिलता है,
उतना स्किल आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, उतना काम आना पड़ेगा। चल आज के लिए काफी हुआ, समझ में आ रहा है बाबू, इतना आसान नहीं है।